विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ऑल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश में। ये वो खास प्रोग्राम है, उसी खास प्रोग्राम का एडिशन है जिसमें हम देश और गांव की हर एक हकीकत को दिखाते हैं, जन समस्याओं को दिखाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। मेरे सहयोगी और जिला ब्यूरो बुलंदशहर अरुण यादव भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं इसको हम मुहिम की तरह लगातार चलाते आए हैं। आज से नहीं, 30 मई से हम इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं, क्योंकि हमें गुलावटी को चमकाना है, गुलावटी में कितने विकास कार्य हुए हैं ये दर्शकों को बताना है और वहां के जो बाशिंदे हैं जो लगातार अपनी समस्याओं को लेकर हम लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि गुलावटी में नगर पालिका काम नहीं कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। देखिए, बुलंदशहर के नगर गुलावटी की जनता ये जरूर सोच रही होगी कि आखिर बीते दिन यानी कि सोमवार 15 जुलाई की मैं बात कर रही हूँ से कोई खबर पालिका को लेकर क्यों नहीं आई है, एक एक हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो सुनिए, हम पूरे 11 दिन बाद यानी कि आज 26 जुलाई 2024 को जब ये खबर कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, इसलिए खबर में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, होता यह है कि बीते 17, 19 और 20 जुलाई 2024 को खबरें सामने आती है कि आपके यानी पालिका के मौजूदा भाजपा चेयरमैन शैलेश तेवतिया, यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नगर विकास पर गहन चर्चा करने लखनऊ गए और इसी को लेकर चली खबरों को चेयरमैन साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर भी पोस्ट कर पुष्टि की है। लेकिन कमाल तो ये हुआ कि चेयरमैन साहब एक खबर की तारीख को चेक करना ही भूल गए, वो शायद 2 महीने हमसे आगे चल रहे हैं या दुनिया से आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, और वो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देखिए अभी अरुण जुलाई चल रहा है लेकिन बात यहां सितंबर की हो रही है। मुलाकात हुई नगर विकास के लिए उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शैलेश तेवतिया की, वो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट भी करते हैं, पोस्ट पर 19 जुलाई नजर आ रहा है लेकिन आप देखिए इस पेपर की कटिंग पर 19/9/2024 यानी कि सितंबर का महीना। अब शैलेश तेवतिया जी बिना पढ़े पोस्ट कर रहे हैं या पढ़कर पोस्ट कर रहे हैं ये तो वो ही जाने, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, कोई बात नहीं, अक्सर हो जाता है, जल्दबाजी में ऐसा होता है, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया बिना कोई जल्दबाजी किए खबर नहीं करता, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही खबर सामने आती है। आपको बता दें कि खबर में 19 सितंबर 2024 की तारीख दिखाई दे रही है लेकिन अभी जुलाई का महीना भी पूरा नहीं हुआ है, जैसा कि मैं अपने सहयोगी से पहले बात भी कर रही थी। ये सब अब कितना सही है या गलत है, ईओ महोदया या चेयरमैन आपसी मशवरा कर इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार है। गुलाबटी की जनता को बता दें कि बस चेयरमैन की नगर विकास मंत्री से मुलाकात हुई या नहीं, बस यही सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने अपने लखनऊ सहयोगी शादाब को नगर विकास मंत्री की आवास पर भेजा और लगातार इस पर उनके मीडिया प्रभारी रोहित कुमार से बातचीत कर पुष्टि करने की बीते 19 जुलाई 2024 से कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 17 जुलाई को मुलाकात होती है, पोस्ट आता है फेसबुक पर और 19 जुलाई से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मुलाकात में क्या हुआ,
किन चीजों पर चर्चा हुई, क्योंकि विकास की बात हो रही है तो गुलावटी के विकास की बात हो रही है, गुलावटी का कितना विकास है, क्या कुछ है, आगे क्या तैयारियां है, कब तक ये चीजें पूरी होंगी, ये जानने की कोशिश की। लेकिन 23 जुलाई 2024 को उन्होंने अंत में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की जनहित में, दोबारा से बोल रही हूं, जनहित में चलाई गई खबरों को पहले देखा और उस पर पालिका ईओ निहारिका चौहान से जवाबदेही मांग ली। कार्रवाई हुई है, जवाबदेही मांगी गई। देखिए कार्रवाई होगी, हम डंके की चोट पर कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन जहां आप संदेह के घेरे में आएंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे। हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपसे सवाल करना। जिसके बाद ईओ हरकत में आई और एक प्री प्लान वीडियो बनाकर जो मन में आया बिना सोचे विचारे कुछ बिंदुओं पर बात की, और वो भी आधी अधूरी जानकारी के साथ, लेकिन कुछ बिंदुओं को सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन ईओ महोदया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको बताएगा कि आपने आबादी में चल रही पशु डेयरी से निकलने वाले गोबर के नालों में गोते लगाते पानी को लेकर कुछ नहीं कहा, शमशान घाट पर इकट्ठा झाड़ झुंड पर कुछ नहीं कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 जुलाई 2024 को एक्स पूर्व में ट्विटर पर दिए गए सख्त आदेश के नाले नालियों पर अतिक्रमण या पचाव को हटाया जाए, उस पर भी ईओ महोदया, ईओ साहिबा अपनी बाइट में आप उसका जिक्र नहीं करती नजर आई। उनके आदेशों को ईओ ने आखिर क्यों तरजीह नहीं दी और सीएम आदेश को अपनी तानाशाही के आगे ईओ ने क्यों बड़ा साबित कर दिया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज गुलाबठी नगर पालिका की ईओ और चेयरमैन से सब कुछ पूछा जाएगा। साथ ही यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी और मंत्री के मीडिया प्रभारी रोहित कुमार से भी चेयरमैन की मुलाकाती खबरों को लेकर सच्चाई क्या है उनसे भी जानने की पूरी संभव कोशिश की जाएगी। साथ ही बुलंदशहर डीएम से भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा प्रमुखता से उठाए गए मुद्दों पर बात की जाएगी। 24 जुलाई को दी गई अपनी बाइट में ईओ निहारिका द्वारा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सम्मानित पत्रकार को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया और ये कितना सही है, जबकि योगी सरकार पत्रकारों के सामने और पत्रकारों के सम्मान को लेकर एकदम सक्रिय नजर आते हैं। अब इसके बाद देखना यह है कि ऐसी लापरवाही और एक गैर जिम्मेदार बयान देने वाली निहारिका चौहान पर शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई का हंटर जनहित में कब तक चलता नजर आएगा। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे ईओ, डीएम, मीडिया प्रभारी, नगर विकास मंत्री, चेयरमैन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले 24 जुलाई 2024 का वो प्री प्लान बाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि वाकई यानन फानन में तैयार की गई एक जानकारी है और फिर उनसे सवाल होंगे। पहले अपने दर्शकों को वो बाइट मैं दिखाना चाहती हूँ। मान लिया कि आपको 50 करोड़ नहीं मिला, मगर जितना मिला है उससे आपने क्या क्या विकास कार्य किया है? नगर पालिका गुलावटी ने बहुत कार्य कराए हैं, बहुत तरह तरह के कार्य कराए, जैसे कि हमने सड़कों का ही निर्माण किया है, हमने लगभग 70-80 सड़कों का बिल्कुल पूरा नया निर्माण किया है, कई सौ सड़कें हमने मरम्मत की है। इसके अलावा हमने कस्तूरबा स्कूल में प्याऊ लगवाया है, प्राइमरी स्कूल में वाटर कूलर लगवाया है, प्राइमरी स्कूल में मिट्टी भराव करा कर उसको सुंदर स्कूल में कन्वर्ट किया है, उसमें बेंचेस दिए हैं कायाकल्प के तहत, उसमें बेंचेस दिए हैं, कई सारी ग्रीन बेल्टों का निर्माण कराया है गुलावटी में। सड़क के किनारे आप आइए, आपको छोटा सा पार्क मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको, बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई अपने नागरिकों को। और हमने कई सारे वेस्ट जीवीपी पॉइंट जो मेन सड़क पे थे उनको हटाकर वेस्ट टू अंडर पार्क्स में कन्वर्ट किया, बड़े तरह के कार्य किए हैं। और हमने सीएससी अस्पताल जो हमारा था जर्जर अवस्था में था उसमें टाइलीकरण करके पूरा अस्पताल को भी खूबसूरत बनाया। तो इस तरह से हमने न केवल अपने क्षेत्र में खाली सड़कों का विकास किया है, हमने अपनी अनुसंगी विभाग जैसे बेसिक शिक्षा विभाग, जबकि चिकित्सा विभाग इनको भी सर्व किया, यहाँ तक कि गुलावटी पुलिस थाने में भी मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से जो इंटरलॉक लगी हुई है वो नगर पालिका की ही लगवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका सिर्फ सड़कें ही बनाता है, अपने अगल बगल के विभाग और अपने शहर को हर तरीके से सुंदर और सहज बनाने का प्रयास करता है, और हमने वो प्रयास सारे किए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न उठाया, मैं खुद भी इस पर कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, ये वीडियो जो ये कहता है, ये दावा भरता है कि 50 करोड़ 8,15,911 रुपये पालिका को प्राप्त हुए,
मेरा वीडियो बनाने वाले पत्रकार और उन महोदया से ये निवेदन है कि कृपया इसके संबंध में जो भी एविडेंस उनके पास हो वो मुझे भी उपलब्ध करा दें, जिससे मुझे भी ज्ञात हो सके कि ये धनराशि नगर पालिका को कब प्राप्त होगी। कई सारे प्रश्न और मुद्दे उन्होंने उस वीडियो में उठाए हैं, जिसमें से सबसे पहला वाटर कूलर है। वाटर कूलर के संबंध में मुझे बस इतना ही कहना है कि जो पुराने 10 वर्षों से अधिक पुराने कूलर वाटर कूलर्स लगे थे, जो बहुत जर्जर और दयनीय अवस्था में थे, उनको हटा दिया गया है। कई वाटर कूलरों का विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया था, क्योंकि पहले नगर पालिका द्वारा उसमें कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया था। माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी द्वारा लगाए गए सारे स्टेनलेस स्टील के जो वाटर कूलर हैं उनको संचालित करा दिया गया, उनका कनेक्शन पूरा प्रॉपर करा दिया गया, जिससे कि उससे जनता को कोई नुकसान ना हो। पॉलीथीन जब्तीकरण के संबंध में भी उन्होंने सवाल उठाया, उनकी अपेक्षा ये है कि मैं बिना मीटिंग करे छापेमारी करूं। ये बहुत शासन से भी मंशा है। हम जनता को समझाते हैं और व्यापारी वर्ग को बताते हैं कि ये पॉलीथीन नहीं यूज़ करें, उसके बाद ही कोई मीटिंग पे कार्रवाई करते हैं। इससे जनता में आक्रोश नहीं होता, व्यापारी वर्ग में। मैंने कोई भी अभियान जो चलाया है, मेरे को कहीं से प्रतिरोध नहीं मिला, ना अतिक्रमण अभियान में ना ही उसमें। व्यापारियों ने भी सहयोग किया है और छोटे छोटे वेंडर्स ने भी सहयोग किया। इसके अलावा जो बात करते हैं सड़कों पे गड्ढे की, सड़कों पे गड्ढा पूरा प्रॉपर, हम लोग जब जब हमें इंफॉर्मेशन आती है पुलिया सड़क नाली टूटने की, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित थे, उसको मैं नहीं इसमें शेयर करना चाहती, पर ये पालिका की त्वरितनेस है। इनके अलावा किसी और ने इस तरह का ये गड्ढा नहीं दिखा, यहाँ तक कि डीप पैलेस जिसका ये जिक्र करते हैं, उस पैलेस वाले ने भी आज तक ये कंप्लेन नहीं की कि इसकी सड़क पर कोई गड्ढा। सीवर लाइन का प्रस्ताव पे भी वो बात करता है। सीवर लाइन एक बहुत बड़ी परियोजना है, इस परियोजना पे जल निगम से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जल निगम ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा है। उसके लिए उसे जितनी भी जमीनें चाहिए थी इंटरसेप्शन ड्रेन के लिए, उसको पंप हाउस बनाने के लिए, सारी जमीनों का अपना चिन्हीकरण करा दिया गया, शासन में प्रस्ताव गया हुआ है। बहुत शीघ्र उम्मीद है इस बार SLTC की बैठक में वो स्वीकृत हो जाए। इसके अलावा जो है उसने कई जगह ये भी जल भराव भी दिखाया। मुझे 2 वर्ष हो गया गुलावटी में, विगत ईद में एक बार जल भराव की शिकायत के अलावा मेरे को कोई शिकायत जल भराव की कहीं से नहीं मिली। विगत 1 वर्ष पहले जो ईद में जल भराव हो गया था, उसकी वजह थी अचानक बारिश, नहीं तो बारिश वर्षा से पूर्व सारे नाले साफ करा लिए जाते हैं, और इस बार भी साफ कराए गए हैं और बहुत अच्छे साफ कराए गए हैं। व्यापारी वर्ग से धन्यवाद ज्ञापित करने के कई पत्र मेरे कार्यालय में पड़े हुए, वो भी न्यूज़ चैनल वाले संभावित आके देख सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मैं भी कोई ये दावा नहीं कर रही कि मैंने गुलावटी को इंदौर बना दिया, पर हाँ ये जरूर कहती हूँ कि मैं गुलावटी में जो आज की स्थिति है उसे कल बेहतर करना चाहती हूँ। और झूठ जो है वो झूठी रहता है, सच सच होता है, झूठ को जोर जोर से चिल्ला के कह देने से वो सच नहीं हो जाता। इसके अलावा मुझे इस विषय पर और कुछ नहीं कहना, धन्यवाद। तो बुलंदशहर और नगर पालिका गुलावटी, अरुण आप वहीं पर रहते हैं, वहीं के निवासी हैं, आपने सुन लिया क्या कहा? देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि ये बाइट उन्होंने किसको दी, क्या जानकारी पत्रकारों को दी गई, और वो हाथ का इशारा अगर आप गौर से देखिएगा, हाथ का इशारा कर रही हैं, किसको कर रही हैं? इस बाइट में जो 4 मिनट की बाइट है ना, और इतने सारे सवाल है ना इसमें, अगर मैं एक एक पर सवाल करना शुरू करूँ तो शायद निहारिका चौहान जवाब भी ना दे पाए। सबसे पहला सवाल वो बात कर रही है कि ये वायरल वीडियो है, प्रमुखता से खबरें चलाई जा रही है, आज से नहीं 30 मई से खबर चलाई जा रही है, वो वायरल वीडियो कैसे बता सकती हैं और कैसे कह सकती हैं? निहारिका चौहान एक ऐसे पद पर हैं जो बहुत ही गरिमामय पद है, पढ़ी लिखी है हमारी, यू वायरल वीडियो में और प्रमुखता से खबर चलाने में उन्हें अंतर नहीं पता क्या? कैसा काम है निहारिका चौहान जी का, पहले तो ये बता दीजिए। अरुण जी आप तो ग्राउंड जीरो कर रहे थे। सबसे पहले मैं इसी जो बाइट दी गई है इस पर आता हूँ। उन्होंने कहा वायरल वीडियो, तो ये बहुत अपने आप में एक हास्यप्रद है कि एक जिम्मेदारी हो इस तरह का बयान दे रही है। उन्हें पता होना चाहिए कि 30 मई 2024 से ग्राउंड जीरो पर हमारे द्वारा जर्जर वाटर कूलर को लेकर के प्रमुखता से खबर दिखाई गई। वाटर कूलर उन्होंने हटाए, सबसे पहला सवाल कि उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की मीडिया ग्रुप में, ना ही हमको बताना ज़रूरी समझा। दूसरा सवाल, नाले की सफाई को लेकर वो बात करती हैं, तो नाले की सफाई जब जिस नाले को प्रमुखता से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने दिखाया था, उस नाले पर क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया ग्रुप में कोई भी जानकारी देना उचित नहीं समझा। तीसरा सवाल, उन्होंने कहा कि कई सड़कें बनाई हैं और बताया कि 70 से 80 सड़कों का निर्माण किया है,
तो मैं जानना चाहूँगा कि 70 से 80 सड़कें कब, कहाँ और कितने खर्चे के साथ बनाई, क्योंकि वीडियो में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बताना जरूरी था लेकिन बताया नहीं। ये वो वाटर कूलर है वार्ड 2 से जो हटाया गया है जी। ये वाटर कूलर है जो वार्ड 2 से हटाया गया है, लेकिन इसके बराबर में आप देख रहे होंगे कि ये सांसद निधि के द्वारा स्टील का वाटर कूलर है। खुद बोल रही है, अपनी बाइक में खुद बोल रही है। ये स्टील का वाटर कूलर है, कुछ रोज पूर्व ये जलता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर, इसको दुरुस्त कराया, लेकिन 24 तारीख को जब इन्होंने बाइट दी, 24 जुलाई 2024, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो हमने इनकी जांच पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी समझा। देखा कि वास्तव में 70-80 सड़कें बनाई हैं तो वो हमें भी नजर आए, क्योंकि उन्होंने ये तो बताया नहीं कि कहाँ कहाँ है, लेकिन फिर भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के द्वारा जितनी संभव कोशिश थी वो की गई। तो जैसे ही हम नगर गुलावटी में 24 जुलाई 2024 को ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तो जैसे नाले ने पहले नगर पालिका की लापरवाही की पोल खोली थी, जिससे खिसिया कर इस तरह की बयानबाजी आज यो निहारिका चौहान कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि 22 जून 2023 को पालिका की बोर्ड मीटिंग आयोजित होती है, हम उसमें मौजूद होते हैं और निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मौजूदा चेयरमैन जो भाजपा शासित हैं शैलेश तेवतिया और ईओ निहारिका चौहान के द्वारा हमें सम्मानित किया जाता है। बोर्ड मीटिंग में एक बजट पेश किया जाता है जिसकी कॉपी और उसके बारे में जब वो बाइट दे रही थी, जो प्री प्लान थी उसमें बताना कोई ज़रूरी नहीं समझा गया। लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जिस तरह से खबरें आज तक चलाता आया है, शुरू से तब भी हमने खबर की थी, तो 50,08,15,911 का जब वहाँ बजट पेश किया गया और पढ़ा गया, लेखालिपिक हैं नगर पालिका के नरेश यादव जी, जिन्होंने ये पढ़ा और बखूबी समझाया भी, इसको लेकर निहारिका चौहान जो ईओ हैं उन्होंने तब भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। कहाँ रुकूंगी, एक मिनट रुकूंगी यहाँ पर। अभी जिस बाइक का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर आप भी चर्चा कर रहे हैं, बखलाहट जो है वो हमने ना उन शब्दों में देखी कि 50 करोड़ का बजट जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वो कहाँ से उन्हें पता चला, कहाँ से पास हुआ है। देखिए, हमने कब कहा कि आपको 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं? हमने किसी भी खबर में इस बात की पुष्टि नहीं की है। हमने तो आपके ही चेयरमैन ने पोस्ट किया था 50 करोड़ का बजट पास, गुलाबटी चमकेगी, जो फेसबुक पोस्ट किया, हम उसके आधार पर आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो आप अपनी बाइट में उसका जिक्र क्यों नहीं कर रही हैं? हमें बता दें कितना बजट आया था, कितना आपने कौन से काम में खर्च किया है। हम तो आपसे ये भी नहीं बोल रहे कि अनुमानित या आवंटित बताइए, हम तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो भी आपको बजट मिल रहा है या मिला है या मिलने वाला है, क्या कार्य आपने किए हैं, आगे आप क्या कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें तो सबके सामने है, मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें चीख चीख कर खुद कह रही हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं बताना चाहूंगा कि 22 जून 2023 में पालिका ने जब बोर्ड मीटिंग की, मैंने तब भी उनसे पूछा था कि आज बोर्ड मीटिंग हुई है, किस तरह के प्रस्ताव देखने को मिले, उन्होंने इस बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं की कि ये धनराशि आज बजट में पेश की गई है और इस तरह की धनराशि को आगे इस तरह से विकास कार्यों में लगाया जाएगा। इसी की कॉपी जो निहारिका चौहान जी नहीं दिखा पाई, मैं दिखाना चाहूँगा। ये वही बजट की कॉपी है जब 22 जून 2023 को और ये पालिका वो पोस्ट के है, अरुण ये वो पोस्ट है शैलेश तेवतिया, 23 जून 2023 अखबार की कटिंग है और वो पोस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे या तो ईओ निहारिका समझा दें या फिर शैलेश तेवतिया जी समझा दें कि अगर आपने बिना पढ़े बिना देखे पोस्ट किया है तो हम आपको सच माने, शैलेश तेवतिया जी को, चेयरमैन साहब को या ईओ निहारिका को? नहीं, सवाल ये है कि क्या ये पालिका द्वारा कर्मचारी के द्वारा जो हमें ये दी गई और इसमें लास्ट में आप देखिएगा कैलकुलेट, जो बजट है जो पेश किया गया जो पढ़ा गया उसमें बोला गया था उस दौरान कि 50,08,15,911 ये बोला गया साफ तौर पे और इसकी कॉपी भी हमें दी गई, तब जाके ये खबर भी चलाई
अगर ये खबर गलत थी तो चेयरमैन साहब ने अपने फेसबुक पर पोस्ट क्यों किया? बिल्कुल। और ईओ निहारिका चौहान क्यों ये जानकार नहीं होती साबित हो रही हैं कि उन्हें कम से कम उनके जो चेयरमैन हैं वो अपने सोशल अकाउंट पर कितना एक्टिव रहते हैं, क्या क्या अपडेट करते हैं, क्या क्या पोस्ट करते हैं, उन पर एक्टिव क्यों नहीं नजर आई? बीता एक साल से अधिक का समय हो गया, आज आखिर वो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्यों ऐसा सवाल कर रही है? ये तो उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। देखिए, लेकिन न्यूज़ पर हम किसी की योग्यता पर ना यहाँ सवाल करने बैठे हैं, ना यहाँ सवाल उठाने बैठे हैं। हमारा मकसद है कि आपको जो काम सौंपा गया है, आपके लिए जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही हमें चाहिए। अगर आपको इतनी तकलीफ थी, आपको इतनी दिक्कत थी कि हम लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं कि 50 करोड़ के बजट की बात आप लगातार करते आए हैं क्योंकि आपके ही चेयरमैन ने पोस्ट किया, तो आप बाइट जो आप कर रही है, जो आपकी प्री प्लान बाइट थी, आपने उसमें ये क्यों नहीं कहा कि बजट ये है या इसका आवंटन हुआ है या अनुमानित है या इतने काम हुए हैं? काजल जी, उन्होंने जिक्र किया पॉलोथीन को लेकर। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कोई आदेश नहीं देता कि आप जाइए और वहाँ पर देखिए। खबर ये थी कि जब अभियान चलाया गया, पूर्व में भी अभियान चलाया गया पॉलोथीन जब्तीकरण का और अब हाल फिलहाल में भी चलाया गया, तो उन्होंने दावा किया कि नगर को पॉलोथीन मुक्त बनाने में पूरा सहयोग लिया जाएगा जनता के द्वारा। और उन्होंने एक बात भी कही, जब हमने बाइट की तो उन्होंने ये कहा था कि एक रामायण का दोहा है, उसमें कहा गया है कि उसमें रामायण में बताया गया पहले प्यार से समझाइए, अगर नहीं समझ आता तो कार्रवाई कीजिए। सवाल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का यही है, जब आपने अभियान चला दिया पॉलोथीन जब्तीकरण का और प्लास्टिक जब्तीकरण का, तो क्या नगर में एक बार ईओ महोदया के द्वारा ये जानना जरूरी नहीं समझा गया कि नगर में पॉलोथीन का चलन चल रहा है या हमारे अभियान को चलाने के बाद भी उस पर पलीता लगता नजर आ रहा है? इस खबर को दिखाया गया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया द्वारा, प्रमुखता से दिखाया गया। दिखाना एक अलग चीज है, प्रमुखता से एक मुहिम चलाना एक अलग चीज हो जाती है। अरुण, हम तो मुहिम चला रहे हैं ताकि देखिए पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता है पॉलिथिन से, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, मैं आप सब जानते हो और ईओ निहारिका जी भी जानती होंगी बहुत बेहतर तरीके से। सीवर लाइन का वो जिक्र कर रही है, अरुण कितनी सीवर लाइन ठीक हो गई? सीवर लाइन के ऊपर वो सवाल कर रही है तो मैं बताना चाहूंगा, बोर्ड मीटिंग में और खबर भी चली है प्रमुखता से, ऐसी बात नहीं है। सीवर लाइन को लेकर के जो शैलेश तेवतिया हैं, खबर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा था कि विकास मंत्री से इस बारे में कोई जाकर मिलकर चर्चा हुई पूर्व में 22 जून 2023 को जब बोर्ड मीटिंग थी, वो खबर सामने आई निकलकर, वो भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने दिखाया। अब जब आज बाइट दे रही हैं 24 जुलाई 2024 को ईओ निहारिका चौहान, बजट का कोई जिक्र नहीं करती, बताना कोई ज़रूरी नहीं समझती, सीवर लाइन पर कहती है कि जल निगम से बात चल रही है, प्रस्ताव पारित करने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है, मंजूरी कब मिलेगी पता नहीं। देखिए, दो बयान अलग अलग हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं कि विकास मंत्री से हम मिले हैं, ईओ निहारिका चौहान कहती हैं जल निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित होकर शासन के पास मंजूरी के लिए जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं जो इनकी कहीं ना कहीं बयानबाजी को अलग अलग दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हर सवाल की परत दर परत हम खोलते चले जाएंगे। अरुण, एक बार जरा शमशान को लेकर, डेयरी संचालन को लेकर, जल भराव को लेकर जो 70-80 सड़कें महोदया जी ने बनवाई है अपनी आंखों के सामने, क्योंकि वो तो डंके की चोट पर कह रही है कि हमने सड़कें बनवाई है, तो आप जरा बता दीजिए वहाँ के बाशिंदे क्या कहते हैं, कितने खुश हैं निहारिका चौहान जी की कामों से, कार्यशैली से? तो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो पशुपालन डेयरी नगर में चल रही है, आबादी में चल रही है, पहला सवाल क्या चलना वाजिब है, ईओ निहारिका चौहान बताएं, मौजूदा भाजपा शासित चेयरमैन भी बताएं क्या चलना जरूरी है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, जो नाली में उस डेयरी से गोबर का पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है, बहता हुआ नजर आ रहा है, प्रमुखता से खबर को चलाया गया, दिख रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन साहब का बयान था कि ये स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाता नजर आता है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीता एक साल से अधिक का समय हो गया, वीडियो सामने चलाई जा रही है, जनता गुलावटी की बहुत अच्छे से देख भी रही है और बहुत से मुद्दों पर जनता गुलावटी सहमी भी नजर आती है कुछ कहने से। जब हम जाते हैं ग्राउंड जीरो पर पूछने के लिए तो वो कहीं ना कहीं खौफजदा भी नजर आती है। क्यों नजर आती है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
बिल्कुल, शमशान को लेकर, क्योंकि शमशान को लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, जिसकी वजह से कई बार उन्होंने झाड़ झुंड में जाकर अपनी जान को हथेली पर रखकर, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। अरुण, ये है विकास, एक शव को दफनाने के लिए रोशनी का सहारा मात्र टॉर्च रह जाता है, मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के वो लोग शव को दफन कर रहे हैं। ये किस तरह का विकास है, कैसा विकास है, जहाँ पर ये जिक्र होता है कि हम पूरी तरह से चमका देंगे गुलाब जी को, यहाँ तो रोशनी का एक बल्ब भी नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए काजोल जी, सबसे पहले मैं अपनी टीम से चाहूँगा, ये जो विजुअल चल रहा है इस पे किस तरह से वहाँ पर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जरा एक बार सुनवाएंगे तो बेहतर। ईओ निहारी का चौहान, नगर की जनता और मौजूदा भाजपा शासित चेयरमैन और जो शासन है, कहीं ना कहीं वो भी खबरों को संज्ञान में ले रहा है हमारी, और ये उनको भी ये चीज नजर आएगी, मुझे आशा है, उम्मीद है। हाँ। ये वाली बाइट अगर चला दी जाए तो हेलो, थोड़ी बहुत लाइट हो तो कम से कम आदमी को व्यवस्था तो हो जाए, रात बिरात कोई ट्रेजरी हो जाए उसमें आके कुछ करे, तो उसके बाद देखो ये क्या झाड़ झूंड ये सब खड़े हैं, सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बच्चों के शमशान घाट की हालत है, देख लो इस शमशान घाट की हालत क्या हालत है, पब्लिक परेशान है, लेकिन नेता जो अपने घरों में लेटे हुए हैं, नेता जो टॉर्चों से पब्लिक काम कर रही है, ना कोई लाइट है, ना कोई जो लाइट की व्यवस्था है, एक छोटे बच्चे की डेथ हुई, उसे दफनाने के लिए रात में हो तो मुसीबतों का सामना करो आगे। तो अरुण, सुना आपने, देख भी लिया, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया, ये क्या भ्रामक खबरें हो सकती है? काजल जी, मैंने तो ये सामने देखा है, लोगों को सुनते देखा है, नाराजगी व्यक्त करते देखा है। सवाल ये है कि ईओ निहारी का चौहान को ये सुना दिया जाए, ये दिखा दिया जाए, भाजपा शासित चेयरमैन को ये दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, साथ ही जो ऊपर शासन प्रशासन है वो भी इस चीज़ को देखे और कड़ा संज्ञान ले, ऐसी हम आशा करते हैं। अब इसी पर आते हैं, जब ये दफन प्रक्रिया की जा रही थी, लोग परेशान थे और अपनी परेशानी को रख भी रहे, इसी में एक नल लगी हुई है पालिका के द्वारा यहाँ पर जलपान के लिए, जल देने के लिए, जल पे तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, वाटर कूलर को लेकर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक नल लगी हुई है, वो अपने आप में दुरुस्त होने की दुहाई मांगती नजर आ रही थी। झाड़ झुंड आप देख ही रहे हैं इस के अंदर, रात का अंधेरा भी देख रहे हैं, बरसात का कमाल की बात ये है कि जब इसकी चारदीवारी हो रही थी विजुअल इसकी, जब शमशान घाट की चारदीवारी हो रही थी, तो मैं चाहूँगा कि वो विजुअल भी दिखाया जाए, यहाँ पर ईओ निहारी का चौहान की गरिमामय उपस्थिति दर्ज हुई थी। और ये कमाल की बात है कि यहाँ पर उस समय से लेकर आज तक ना तो कोई लाइट लगवाई गई, ना ही इसका कोई सौंदर्यकरण कराया गया, बड़ा सवाल उठता है। 10 साल पुरानी सड़कों का ईओ निहारी का चौहान खुद दावा कर चुकी है पहले, विजुअल इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, 10 साल पहले की सड़क का गड्ढा उन्हें पता होता है, भरना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, सड़कों को दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझा, और वो कहती हैं कि एक गड्ढा जो दीप पैलेस पर दिखाया जाता है वो किसी को नज़र नहीं आया, दीप पैलेस पर जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। यो मैडम, जब शिकायत दर्ज होती है या खबर चलती है तभी आप जागरूक होती हैं, इसी के लिए क्या शासन से आपको तनख्वाह मिलती है, एसी में बैठकर आप वहाँ से कार्रवाई, वो तस्वीरें हैं जी, ये वो तस्वीरें हैं, और मैं चाहूँगा कि इसकी जब इसका जब गड्ढा भरा है तो उस गड्ढे ने भी पालिका की पोल खोल दी है, ये भरा गया, कार्रवाई करी उन्होंने इस गड्ढे पर, लेकिन वो भी खाना पोल दी, वो इसलिए कि इस पूरी सड़क पर जब पालिका के कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए गए होंगे तो इसी सड़क को पूरा दिखाया जाए। ये देखिए, ये खाना पूर्ति की गई यहाँ पर, ये इनको गड्ढे नजर नहीं आए, ये नहीं भरे, ये 24 जुलाई 2024 को जब बाइट दी गई तो हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो कवर की, और मैं चाहूंगा कि वहाँ पर दीप पैलेस, वो कह रही ना शिकायत नहीं होती, तो हमने वहाँ के लोगों से जानकारी लेना जरूरी समझा, जरा मैं चाहूंगा कि इसकी बाइट को भी सुनवाया जाए। यहाँ पर जब ग्राउंड जीरो पर अरुण जी पहुंचे और यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, हम चाहेंगे कि वो जो भी कुछ लोगों ने कहा है वो ज़रा निहारिका चौहान जी के कानों तक पहुँच जाए, क्योंकि वो कहती है ना कि हम बिना तथ्य के, बिना किसी आधार के खबरें चलाते हैं, तो तथ्य भी आपके सामने, तस्वीर भी आपके सामने, और
विद प्रूफ आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले की भी, अब की भी, और लोगों को भी सुना रहे हैं। अच्छा, ये सड़क तो बनाई नहीं गई? नहीं, ये तो काफी दिन से बनी नहीं, 10 साल हो गए। ये गड्ढे खुदते हैं, ये छोड़ जाते हैं ऐसे। अभी पाइप फूट रहा था, हमने कहीं भी ऐसा कर दो बंद नहीं करके गए इसको खोल के, और फिर वहाँ फूट गया गड्ढा, एक गड्ढा अगर फूटा पड़ा पानी निकल रहा वहाँ पर। तो पालिका कर्मचारी से आपने शिकायत करी है इस तरीके से टूटा पड़ा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने? नहीं, वो खुद खोद के गए ना गड्ढा, ऐसे बोले जी बाद में भरेंगे, फिर जल्दी फिर बारिश होगी सुबह। हाँ, तो अभी तक गड्ढा भरा नहीं है? नहीं, अभी नहीं। निकलने में बहुत परेशानी होती है। इसकी शिकायत भी की गई होगी कभी? कई बार नप भी गई। लेकिन ये सड़क आज तक बनना जरूरी नहीं समझा गया पालिका के द्वारा, ये बड़ी लापरवाही है। कितना समय हो गया होगा शिकायत करे हुए? शिकायत तो काफी दिन हो गए, 3-4 महीने हो लिए। 3-4 महीने हो लिए। पालिका से कोई गुहार लगाएंगे सड़क के लिए? भैया, हम तो दरखास्त करते हैं, बनवाओ जल्दी से जल्दी बनवाओ। तो अरुण, देखा आपने, यहाँ पर हमने शमशान घाट की भी तस्वीरें दिखा दी। जो जो निहारिका जी ने जो जो बातें रखी हैं, उन सब का जवाब हम दे रहे हैं, और सिर्फ हम बोलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, हम बकायदा तस्वीर दिखाकर और यहाँ लोग कितने परेशान हैं वो सुनाकर जवाब दे रहे हैं। पुलिया, सड़क, नाली, सिवर लाइन, सड़क, वाटर कूलर, शमशान घाट, डेली संचालन। अब आते हैं हम जल भराव पर, क्योंकि सबसे बड़ा जिक्र यहाँ पर निहारिका चौहान जी ने कहा है कि मैं तो यहाँ पर 2 साल से हूँ और मैंने सिर्फ एक बार जलभराव देखा है यहाँ पर, वो भी भारी बारिश की वजह से। तो जरा वो तस्वीर भी दिखाइएगा जो कि अभी की तस्वीर है, 25 जुलाई 2024 की, जब निहारिका चौहान जी कहती है कि यहाँ पर जलभराव तो एक ही बार देखा है उन्हें, और नालियों की सफाई पहले से ही करा दी गई थी। अगर नालियों की सफाई पहले करा दी गई तो फिर ये तस्वीर क्या कह रही है? जरा 25 तारीख की तस्वीरें चलाइएगा जहां पर जल भराव चारों तरफ नजर आ रहा है। ये वो सड़कें, ये गड्ढे शायद दिखाई नहीं देते, निहारिका जी निकलती नहीं होगी ना इस रास्ते से, VIP रास्ता होगा जी। ये वाटर कूलर, ये हम चला चुके हैं और दिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कितना पानी, कितना शुद्ध पेयजल राहगीरों को मिल रहा है, गुलाबती की जनता को मिल रहा है। बड़ा सवाल है, वाटर कूलर हटा दिए, लोहे वाले वाटर कूलर राहगीरों के लिए चिंता की नहीं है, ये हटाए हुए वाटर कूलर है। आप देखिए, स्टील वाटर कूलर को तवज्जो देती हैं क्योंकि वो सांसद दीदी के द्वारा लगाए गए हैं। बताती हैं कि सुरेंद्र नागर जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके निधि के द्वारा ये वाटर कूलर लगाए गए, उन्होंने सराहनीय काम किया। लेकिन पालिका के द्वारा जो पूर्व में वाटर कूलर लगाए, जिसका 10 साल का हवाला दे रही थी, तो क्या ये वाटर कूलर अगर दोबारा से पुनः यहाँ लगा दिए जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वो तस्वीरें जलभराव की आपको दिखाएंगे, लेकिन अरुण एक और बात यहाँ निकल कर सामने आती है कि आप सारी चीजों का हवाला दे रही हैं, लेकिन क्या आपने ये कोशिश की कि आप उसे ग्रुप में शेयर कर दें उन तस्वीरों को, कि हाँ हमने ये कार्रवाई की है यहाँ पर? सवाल यही है कि 30 मई 2023 चिलचिलाती धूप में ग्राउंड जीरो से न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने कवरेज किया और आशा जताई कि इसको बहुत अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पालिका जल पान के लिए, जल शीतल जल राहगीरों को देने के लिए सक्रिय नजर आएगी। कमाल की बात यह है कि आज करीब 56वां दिन होगा, मैं आंकड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 30 मई से अगर आप लगाएंगे तो करीब इतने दिन हो चुके हैं, और स्थिति कार्रवाई जो की है बनी हुई है, कार्रवाई जो की है, देखिए ना कार्रवाई कैसे हुई है। वाटर कूलर को उसके स्थान से जड़ से ही हटा दिया, यो निहारिका चौहान ने, वो आज यो इस तस्वीर को तो देखते रहिए, ये गुलाब की जनता। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही डंके की चोट पर यहाँ यो निहारिका चौहान जी कह रही थी कि जल भराव उन्होंने कभी देखा नहीं है, शायद ये तस्वीर उन तक 24 जुलाई 2024 को बाइट देती है कि जल भराव एक बार ही होता है, 25 तारीख को बारिश होती है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ, और नालों की सफाई हो चुकी है, जल निकासी, नालों की सफाई होगी तो जल निकासी होगा, यहाँ पर कहाँ जल निकासी है और क्या है? ये वाला विजुअल देखिए और इसे जरा फुल स्क्रीन पर चलाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कहती हैं कि हमने काम कर दिया, हमने विकास कार्य। अरुण जरा इसको पूरी अच्छे से समझाएंगे, इस तस्वीर को क्या कह रही है? तस्वीर बहुत कुछ कह रही है मेरे ख्याल से तो। जी, 24 जुलाई 2024 को जब नाले की सफाई का पूरा अच्छे से दावा कर रही थी, तो ये 25 जुलाई 2024 को, ये नगर गुलावटी के पूर्व सभासद हैं, इकरामुद्दीन जी इनका नाम है। और कमाल की बात है कि 25 तारीख को इनका मुझे फोन भी आया। अरुण आगे कंप्लीट करिए, उससे पहले ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, घरों में पानी भरा हुआ, बाल्टी मग्गी से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये विकास है, ये विकास है। और ये कार्यशैली है, अगर वो ग्राउंड जीरो गई होती तो शायद उनको समझ आता इस समस्या को लेकर के। इस विजुअल से कहीं ना कहीं उनको समझ में आना चाहिए कि हमारे वीआईपी कमरे से, एसी कमरे से बाहर निकलेंगी तब ना समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है जब घरों में घुटने तक पानी भर जाता है। सवाल ये कि नगर पालिका के बाहर 25 जुलाई को पूर्व मेंबर के द्वारा नाले का टेंडर पास किया गया, हाँ, और सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं, ऐसी सूचना मुझे फोन पर पूर्व सभासद द्वारा दी गई। और इस पर हम पूर्व सभासद इकरामुद्दीन जी को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, उनसे पूछेंगे इस मामले को लेकर पूरा। और देखिए हाथ जोड़ते देखिये, निहारिका चौहान इसमें हाथ जोड़ती भी नजर आएंगी। आखिर क्यों उन्हें इतना मजबूर होना पड़ा हाथ जोड़ने के, जब इतनी अच्छा काम वो कर रही थी। देखिए आप ये हाथ जोड़ती, हम एक बार फिर से दिखाइएगा इस तस्वीर को। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर वो ईओ निहारिका चौहान जो डंके की चोट पर कह रही थी कि हमने काम किए, अगले दिन बारिश होती है, हालात, सारे दावे सब फेल हो जाते, सारी खोल खुल जाती। काजल जी कमाल की बात ये है, काजल जी कमाल की बात ये है कि 24 जुलाई को वो दावा भरती है हर एक काम का, उसी दिन जाकर उनकी पोल खुलती है। और कमाल की बात है 25 तारीख को बारिश जब होती है, जलभराव होता है, तो पहले तो नाले ने पालिका की पोल खोली लापरवाही की, अब ये नाले ने फिर से दोबारा पोल खोल दिया, बारिश ने फिर से पोल खोल दिया। बिल्कुल सड़क और कहीं ना कहीं क्योंकि इकरामुद्दीन पूर्व सभासद पालिका से उन्होंने घेराव किया, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या बातचीत थी, क्यों हुआ ऐसा, क्यों इस तरीके से वहां से बचती हुई यो निहारिका चौहान नजर आई है, हाथ जोड़ती भी नजर आई, आखिर क्या वजह थी, क्यों इतनी डरी सहमी नजर आई निहारिका चौहान, ये जानने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगी कि फोन मिलाया जाए इकरामुद्दीन जी को, पूर्व सभासद पालिका से, उनको हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई। और यहां पर जब ईओ निहारिका चौहान ने हाथ जोड़े तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि अगर वो पूर्व सभासद है पालिका के तो बेहतर तरीके से पालिका को जानते होंगे। हम फोन मिला रहे हैं इकरामुद्दीन पूर्व मेंबर पालिका से। हेलो, क्या मेरी बात इकरामुद्दीन जी से हो रही है, पूर्व सभासद है? बताइए आप कौन बोल रही हैं? न्यूज वॉल इंडिया से बात कर रही हूँ सर मैं जी। न्यूज वॉल इंडिया से? ये क्या है, न्यूज वॉल इंडिया चैनल से बात कर रही हूँ। अच्छा 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 जी जी, न्यूज वॉल इंडिया न्यूज चैनल से है। हाँ जी इकरामुद्दीन जी, 25 जुलाई 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपकी और ईओ निहारिका चौहान नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला जरा आप बता सकते हैं क्या है ये? पूरा मामला ये है, एक बारिश हुई थी जरा सी थी, उसमें पूरे मोहल्ले में पानी भर गया, लोगों के घर में एक एक फुट पानी हो गया, लोगों के चरपाइयों के नीचे नालों की सफाई नहीं हो पाई है, इस वजह से ये पानी भर गया, पानी का निकासी है नहीं, पानी चलता नहीं। इकरामुद्दीन जी, लेकिन 24 जुलाई 2024 को पालिका की ईओ निहारिका चौहान ने कहा कि नाले की साफ सफाई तो पहले ही करा दी गई है और 70 से 80 सड़कें मरम्मत करा दी है, क्या नगर की सभी सड़कें दुरुस्त हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, हमारी तो कोई हुई नहीं है जी। तो निहारिका चौहान क्या अंधेरे में तीर मार रही है जी? चलिए ठीक है,
अरुण यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरामुद्दीन जी जिला ब्यूरो है बुलंदशहर से, गुलाबटी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, गुलाबटी के ही निवासी हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। इकरामुद्दीन जी। हाँ जी बताइए। आपका कॉल आया, आपने हमें अवगत कराया कि नाले की ये कुछ तस्वीरें मैं भेज रहा हूँ और इस तरह की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली। आपने ये भी बताया कि इसके नाले का टेंडर भी पास। नारी तुम्हारी यादव जी जोर से बोलो जरा से। आपने बताया कि इस नाले का टेंडर पास हो चुका था लेकिन उसके बाद भी साफ सफाई नहीं हुई, तब जा करके ईओ महोदया से ये गुहार लगाई। हाँ, नालों की साफ सफाई नहीं हुई है गुलावटी में। हमारे इधर से आधी गुलावटी का पानी निकलता है मोहल्ला फजलुल्ला लाल डिग्गी वाले नाले से, इसकी तो कोई सफाई हुई नहीं है अभी। नहीं, आपने बताया था कि टेंडर पास हो चुका उसके बाद भी ये सफाई नहीं हुई थी। मैडम से मैंने पूछी, बोले अभी टेंडर कोई पास नहीं हुआ। कौन बोले पास? मैडम से मैंने पूछी थी यो साहब से, बोले जी आपने टेंडर कर दिया, नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? बोले अभी टेंडर कोई पास नहीं हुआ नाले की सफाई का। मन की तो बरसाती जो सफाई होती है वो क्यों नहीं हुई है? तो कल उन्होंने कुछ कराई थी। नहीं, हरकत में तो तब आई ना जब आपने इस तरह से उनसे जाकर के सवाल जवाब किए, क्योंकि वो कहती है जब शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, तो आज तो उनको अपने ऑफिस से ही बाहर आना पड़ गया और अपनी जवाबदेही तय की है उन्होंने, और जैसा आपने जानकारी दी थी हमें हम उसके अनुसार ही बोल रहे हैं कि आपने बताया कि टेंडर पास हुआ था इस नाले का और सफाई नहीं हुई थी। आवाज ना रही, जोर से बोलो थोड़े से, मैं रोड पे हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कॉल करके हमें अवगत कराया था कि इस नाले का टेंडर पास हो गया था लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब घेराव हुआ है उसके बाद जब आपके द्वारा शिकायत रखी गई ईओ से, तो उन्होंने बताया कि टेंडर पास ही नहीं हुआ है अभी। हाँ, मैडम से हमने पूछा था, मैडम ने बताया हमें कोई टेंडर अभी पास नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? लेकिन कल नालों की सफाई करा दी गई हमारे वाले की, जिस वजह से हमारे मोहल्ले में पानी भर गया था, दिक्कत आई। तो आपके घेराव करने के बाद ही तो एक्शन में आई ना ईओ निहारी पालिका जी? जी हाँ, हमारे घेराव करने के बाद वो तो पहले से ही कहती है कि हम तो सारे काम करा देते हैं, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो फिर इतना जल भराव कैसे हुआ? आपको घेराव करना पड़ा ना, आपको अपनी हमें नगर पालिका में घेराव करना पड़ा, हमें जाना पड़ा नगर पालिका। सच्चाई ये है, जब तक हम लोग खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाएंगे, निहारिका मैडम जी अपने दफ्तर से बाहर नहीं आएंगी और ना ही निरीक्षण करेंगी और ना ही कोई काम करेंगी। ये तो आपसे हाथ जोड़ती बात है आपकी, कल तो गई थी, कल साथ में गई थी हमसे, आपके सामने हाथ जोड़ती हुई भी नजर आ रही है वो तस्वीरों में जी, आपके सामने हाथ जोड़ती हुई भी नजर आ रही है ईओ निहारिका जी। हाँ, उसके बाद में वो साथ गई थी, उसके बाद में वो मोहल्ले का मुआयना भी करके आई। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि इनको हाथ जोड़ने पड़ गए आपके सामने? नहीं, उसका तो मेरे को पता नहीं थी हाथ जोड़ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल कल हाथ जोड़ के क्या आप आए और आपने बताया कि नाले की सफाई नहीं हो रही है इसलिए हाथ जोड़ रही थी? नाले की सफाई नहीं हो रही है, नाले में पानी भर गया, हमने वीडियो दिखाई, वीडियो भी भेजी। तो आप लोगों को आश्वासन देकर गई है वो? हाँ, हम लोगों को आश्वासन दिया, कल जेसीबी भी गई है, उसमें सफाई भी कर ली नाले। अच्छा, चलिए ऐसा हुआ और उन्होंने कार्रवाई, नाले की सफाई हुई है, चलिए ऐसा हुआ उन्होंने कार्रवाई की, अच्छी बात है कि वो जागरूक हो जाती है जब शिकायतें होती है, जागरूक हो जाती है जब खबरें चली। तुरंत ही एक्शन हुआ था जब हम पहुंचे थे, उससे तुरंत बाद ही एक्शन हुआ, सफाई कराई। और इसके अलावा इकरामुद्दीन जी, देखिए ये तो बात हो गई जल भराव की, जर्जर वाटर कूलर पर क्या कहते हैं आप? वाटर कूलरों पे तो पैसा वेच गया नगर पालिका का, जो भी गया है सारे वाटर कूलर सस्ते के खराब पड़े। निहारिका जी तो कहती है हमने नए वाटर कूलर लगवा दिए हैं, पुराने ठीक करा दिए हैं, सांसद नीतीश आए हैं वो भी वाटर कूलर चमक रहे हैं, क्यों अरुण? ईओ निहारिका चौहान कहती हैं कि जर्जर वाटर कूलर को दुरुस्त कराया जाएगा और जो ज्यादा ही जर्जर होंगे उनको वाटर कूलर बंद पड़े सर, बंद पड़े नहीं, ये कुछ, नहीं कुछ वाटर कूलर उनके द्वारा हटाए गए, कुछ वाटर कूलर उनके द्वारा हटाए गए, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाई जाएं, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखे ये तस्वीर वाटर कूलर की तो है, ये पहले वाली तस्वीर है वाटर कूलर, ये जब पानी नहीं आ रहा था वाटर कूलर, पानी जब ग्राउंड जीरो से 30 मई को खबर की खराब पड़े थे। इसके बाद दूसरी भी तस्वीर दिखाइएगा जो जब जहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और वहाँ से वाटर कूलर गायब नजर आया है और उसकी सूचना मीडिया ग्रुप में शेयर नहीं की। ये पानी की वेस्टेज, ये पानी की देख लीजिए वेस्टेज जा रही है यहाँ से गायब ही है। आपकी आवाज तेज आ रही है, यादव जी की आवाज थोड़ी सी ढीली आ रही है। अरुण थोड़ा जोर से बोलिए, सर को आवाज नहीं आ रही। हाँ, इनकी न्यूज में भी आवाज थोड़ी किलो रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये वाटर कूलर दुरुस्त कराने के लिए ईओ निहारिका चौहान कह रही थी तो इन्हें दुरुस्त कराया जाना चाहिए था, हटा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वाटर कूलर ना जी, हाँ वाटर कूलर को सही रिपेयर करानी चाहिए इनकी। ये हटा दिए गए बिना मीडिया ग्रुप में जानकारी दिए। और जब ये सवाल हुआ, जब ये जांच पड़ताल की तो हमारे ये वो तस्वीर है जहाँ से वाटर कूलर गायब है। अरुण यही तस्वीर है ना वो? जी यही तस्वीर है वो। ये वार्ड नंबर 2 की है, गुलाबी के वार्ड नंबर 2 की। इकरामुद्दीन जी, वार्ड नंबर 2 से वाटर कूलर गायब है भीमनगर की। और कमाल की बात है कि स्टील वाटर कूलर को तवज्जो देती है ये निहारिका चौहान जी, लेकिन सांसद निधि से लगते हैं। और पालिका के द्वारा जो पूर्व में लगाए गए वाटर कूलर जो लोहे के हैं, तो लोहे और स्टील में भी अंतर महसूस करती हैं ये निहारिका चौहान। तो क्या कहना चाहेंगे इकरामुद्दीन जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको? देखिए इकरामुद्दीन जी, देखिए आप भी पालिका के पूर्व में जिम्मेदार सभासद रहे हैं, इसीलिए हमने आपको फोन लगाया है। नगर में आज वर्तमान में जो स्थिति, जो समस्या है, जो बनी हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, बस इतना ही आपसे जवाब आप मुझे चाहिए। वर्तमान में स्थिति फिलहाल कोई सही नहीं है नगर पालिका की तरफ। तो इससे साफ हो जाता है कि ईओ निहारिका चौहान जी जो चेयरमैन की तरफ से स्थिति सही नहीं है, एक ईओ अकेली क्या करेगी? अब मैं ईओ पे एक इल्जाम लगा सकूंगा, लेकिन उसमें तो ईओ और चेयरमैन दोनों को करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ईओ और चेयरमैन में क्या बनती नहीं है या बातचीत नहीं होती? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो ईओ को पता ही नहीं होते, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कि ईओ साहिबा को पता नहीं होते कि चेयरमैन साहब कौन सी पोस्ट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि नगर विकास मंत्री से मुलाकात भी हो गई चेयरमैन साहब की। जी। तो ऐसा कुछ अंदर कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ ऐसा खींचतान चल रही है क्या? ना ऐसा तो कुछ फिलहाल कोई ऐसा आया नहीं है कोई मनमुटाव। तो हो सकता है कि अपने आप को ज्यादा तानाशाही रवैये में रखती हूँ निहारिका चौहान जी? ना ना ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तो चेयरमैन से बेहतर बलगर ईओ का व्यवहार अच्छा लगता। पूर्व मेंबर हैं आप, इसीलिए नहीं अब नहीं अच्छा लगने लगा ना जब आप जब आपने वहाँ पे घेराव किया, जब आपने घेराव किया और उस पर कार्रवाई ईओ द्वारा की गई तो अच्छा लगा ना। तो जब भी ईओ के पास गए किसी काम के लिए, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया उस काम पे, गए तभी ना गए तभी ना एक्शन लिया, उससे पहले नहीं लिया ना। चलिए ठीक है, ठीक है इकरामुद्दीन जी, और किसी काम इकरामुद्दीन जी इस पर एक और सवाल है मेरा। देखिए नगर में नाले नालियों पर जो अतिक्रमण है, जो पटाव हो रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ट्वीट करके जो एक्स के माध्यम से बताया था ना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें तो कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं? खास तो कोई अतिक्रमण हुआ नहीं गुलावटी में, बस यही है अपना ठेले ठेले वाले पीछे करकरा दिए बस छुट्टी। और ठीक है इकरामुद्दीन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यथास्थिति साक्षात अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रखने के लिए। देखिए अरुण यहाँ पर क्योंकि पूर्व मेंबर रहे हैं पालिका के, तो बेहतर तरीके से जानते हैं पालिका को, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कहा कि हाँ जब भी हम जाते हैं तो बात कहती तो है, वो आश्वासन तो जरूर देती है, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। अभी देखिए ना, उन्होंने साफ बता दिया कि वो वहाँ जो पटाव रखा है नालियों पर, नालों पर
वो कहीं से भी हटा नहीं है, वाटर कूलर खराब पड़े हैं। कमाल की बात तो यही है कि जब वो बाइट दे रही थी अपनी, तो उन्होंने 4 जुलाई 2024 को योगी आदित्यनाथ जी ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि नाले और नालियों पर अतिक्रमण ही जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, जनसंवाद कर इस समस्या को सुधारा जाए, उनके पटाव को खोला जाए, जहां इस तरह की समस्या है जाकर संबंधित को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ईओ निहारिका चौहान जी फिर भी इस चीज़ से बचती नजर आ रही है। साथ ही अपनी बाइट में जिस तरह की वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती नजर आई है, मैं चाहूंगा अब ईओ निहारिका चौहान जी को फोन मिलाया जाए, अब उनसे उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे, कितने उन्होंने काम किए हैं, कितना टेंडर आया, कितना पास हुआ, और आप रिंग सुन सकते हैं, उनके पास कॉल जा रही है। हेलो, क्या मेरी बात निहारिका चौहान जी से हो रही है? ईओ है नगर पालिका गुलाबछी में जी। मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हूँ? न्यूज वर्ल्ड इंडिया न्यूज चैनल से जी। ईओ महोदया जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हम लगातार खबरें चला रहे हैं, और जो प्रथम बोर्ड बैठक हुई थी उसमें कितने का बजट पास हुआ, आज फिर आपसे वही सवाल। ये आपका चैनल जो क्लेम करता है, पहले मेरा ये डिमांड है आपसे कि आप क्लेम इसको किस आधार पर करती हैं, वो क्लेम मुझे यहाँ पे प्रस्तुत करें। ठीक है मैम, देखिए मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मैंने आपसे ये कहा कि आप लोगों को वीडियो में सुन लीजिए इसको बोलती हूं। हाँ, मैं आपकी भी बाइक मैंने सुनी है, उसी आधार पर मैं आपको कॉल कर रही हूँ। देखिए आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप निभा रही है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो निभा रही हूँ। आप ही के चेयरमैन मैं तस्वीर भी भिजवा दूंगी आपको, शैलेश तेवतिया जी आप ही के चेयरमैन पोस्ट करते हैं, स्क्रीन पर भी चल रहा है वो, चमकी गुलाब की 50 करोड़ से ज्यादा के होंगे विकास कार्य। ऐसा है चेयरमैन साहब ने हमारे ऐसा कोई भी ना तो मौखिक ना तो लिखित बयान दिया किसी भी मीडिया चैनल फेसबुक, और ना मेरे द्वारा दिया गया है, और ना हमारे यहाँ पालिका में आज तक इतना बजट आया है। ठीक है, अब ये न्यूज आपके चैनल से मुझे पूछना पड़ेगा कि जो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास सब जगह कुछ आपके चैनल से मानहानि का दावा तब आप करेंगी जब आपकी छवि हम धूमिल करने की कोशिश करेंगे। जो आपने बेहतर काम किए हैं, आपने गलत स्टेटमेंट दे रही हैं, जो आपने बेहतर काम किए हैं निहारिका जी, नहीं जो आपने बेहतर काम किए हैं वो हमने बहुत प्रमुखता से चलाए हैं, दिखाए भी हैं। आपने चलाए होंगे, देखिए बेहतर कामों को वैल्यू करता कौन, बेहतर काम करते हैं मैम, करते हैं सब करते हैं, बेहतर काम होते हैं इंसान उसी को देखता है। जो बेहतर सुनिए सुनिए, आपने आपने देखिए निहारिका चौहान जी जीरो वाले आप एक, हाँ आपने उन्हें सम्मानित भी किया है, वो तस्वीर भी मेरे पास है। सम्मानित उनको सम्मानित तब किया गया था जब उनको जो है पालिका चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने सारे पत्रकारों को सम्मानित किया था, उसी क्रम में उनको सम्मानित किया गया, तो स्पेशल उनकी अचीवमेंट के लिए उनको भी सम्मानित किया गया। पत्रकारों आराम से बात सुनेंगी आप आराम से बोली नहीं रही है तो मैं आराम से बात करूँ मैम, मैं तो इतने प्यार से आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या मैं सवाल भी नहीं कर सकती आपसे, मेरा अधिकार है। सवाल तो बिल्कुल कर सकती हैं, आप सवाल करती हैं, आप सवाल करिए, आप स्वतंत्र सवाल करिए। निहारिका जी सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा का बजट हमें ना कभी मिला है, आगे मिलेगा नहीं है, अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है मैं इस पर बात नहीं करती हूँ, मैं इस पर नहीं बात करूंगी, लेकिन जो पोस्ट था मैंने उसके आधार पर वो खबर चलाई। आप कह रही हैं कि नहीं किया गया, तो ठीक है जांच का विषय है, आगे इस पर जांच हो जाएगी कि किया गया कि नहीं किया गया, किसने किया कैसे किया, ये आगे जांच होगी। अब मुझे बता दीजिए, चलिए ठीक है बजट को छोड़ दीजिए, अब मुझे बता दीजिए कि 24 जुलाई 2024 की आपने एक बाइट को मीडिया ग्रुप में शेयर किया था, तो क्या जर्जर वाटर कूलर को हटाए जाने का कोई वीडियो या फोटो मीडिया ग्रुप में आपने शेयर किया? नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? जितने मेरे मीडिया बंधु मेरे सामने आए थे उस दिन, मैंने सभी लोगों को बोला था आप स्वयं से थी वहां पर, तो मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो आपसे बात कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी आईडी, क्योंकि कोई भी पत्रकार का माइक आईडी होती ना मैम, उसमें माइक आईडी नहीं होती, जो माइक जैसा उन्होंने वो आपकी तरह बहुत दूर से वाला माइक वाले में जानो पत्रकार। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि वो बेहतर है और हम खराब पत्रकारिता करते हैं? मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है, मतलब तो ये निकलता है ना मैम इसका,
आपका कैसे हो सकता, मैं इससे कुछ नहीं कमेंट कर सकती भाई। नहीं आपने किया ना, आपने अरुण को भी जो हमारे सहयोगी है उनको भी आपने कर रहा था इस तरीके से संबोधित किया है। आप बहुत बड़ी लिखी है, गरिमामयी पद पर है, बहुत बात होता है और मैं उसे बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करती हूँ और अपने भाई से मैं ऐसी बात करती हूँ। मेरा भाई बहुत बुरा मानता है। चलिए चलिए ठीक है, बुरा मान, अरुण भी बुरा मानता है, ठीक है उनसे ही बात कर लीजिए, फिर वो भी आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, वो मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इस तरह का वक्तव्य दिया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि आप भाई की तरह उनसे बात करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको आज ही का एक वाक्य बता दे रही हूँ, हमारे एक पत्रकार महोदय संदीप कायल जी जो कि यहाँ पे ये जो अपना नवभारत टाइम्स को भी देखते हैं और आपका रिपब्लिक भारत भी देखते हैं, उनका फोन आया तो मैंने फोन कॉल पे ध्यान दिया, उनकी आवाज सुनते मैंने कहा हाँ संदीप बोले, तो फिर मुझे लगा रही तो संदीप सायल जी है, मैंने कहा सायल जी सॉरी मैं गलती चाहती हूँ कि मैं गलती हूँ, भाई उनका एज क्या है मेरे से ऊपर है, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। अब संदीप यादव मेरे सभासद है पर मैं सभी वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मैं ये तो पर्सनल बात हो गई, ये तो पर्सनल कैसे आप किसको ट्रीट कर रहे हैं वो बात हो गई, चलिए मैं मान लेती हूँ अपने भाई के तो है तो ऐसे जवाब मेरा ठीक है। अब मुझे बता दीजिए कि आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने खबर प्रमुखता से चलाई है, मैम वीडियो और खबर में फर्क होता है, देखिए आपकी खबर है ये वीडियो है मुझे नहीं पता, वीडियो ही था मेरे पास तो वीडियो है, खबर नहीं है। मैम वहाँ पर बकायदा लोगों की बाइट है, तस्वीरें आपके सामने है, उनको भी छुटला देंगे क्या? बाइट ले रहे हैं वो व्यक्ति आपकी तारीख में हमारा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है। अरुण निहारिका चौहान जी हारे की सारी बातों का जवाब दे रही है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि सारी बातों का कम से कम वो जवाब दे रही है। चलिए ठीक है, उनका ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा ठीक है, वो वर्तमान में यहाँ जेई नहीं है, पुरानी बाइट है वो जेई साहब की, अच्छा वो आज की तारीख से जेई नहीं है, ठीक है। जो आपके रोड में जो ब्रजभूषण भी दिख रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, प्लास्टिक ब्रांड। और ये जो कल आपका घेराव हुआ, कहाँ घेराव हुआ मेरा कल जो घेराव नहीं हुआ, पब्लिक के आदमी थे आप इकरामुद्दीन मेंबर जी जो है उनसे बात कर लीजिए, कोई घेराव नहीं हुआ, पब्लिक के आदमी आए थे, मैंने उनकी समस्या का वही निराकरण कर दिया, सब लोग चले गए, कोई घेराव किसी तरह का नहीं था। तो हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया था आपने, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा उनको, हाथ जोड़कर धन्यवाद किया था मैंने, मैं भी पब्लिक मैं बहुत डिफेंस रखती हूँ, अरुण भी जानता है, ठीक है अरुण यादव जी निहारिका जी से बात करिए, यू मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। अच्छा मैडम, जब बजट की बात आपने कही तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और ये कॉपी भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं उसी बोर्ड मीटिंग में था तो ये कॉपी हमको पालिका कर्मी के ही द्वारा दी गई थी जिसमें लास्ट में कैलकुलेट है जो रकम हमने बोली है वो इसमें पेश है और इस पर प्रमुखता से खबरें भी चलाई गई है। आपको पता होना चाहिए कि जब पालिका में बजट बोर्ड की बैठक होती है, वही तो जानने के लिए, वही तो जानने के लिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, हर मेंबर अपने अपने प्रस्ताव करते हैं, हर अगर हमारे 25 मेंबर है और वो 1 करोड़ का प्रस्ताव दे देते तो 25 करोड़ तो हो गया ना, बजट का प्रस्ताव 25 करोड़ पर हमें मिला कितना, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तो सवाल है निहारिका जी, आकलन बनाया, नहीं आकलन नहीं बनाया, ये कॉपी कह रही है ये लास्ट में मिला, आपका दावा है हमें मिला, हमारा दावा नहीं है मिला, हमने ये कहा कि बजट पेश हुआ था, बजट पेश हुआ था, बजट पढ़ा गया था, दोबारा से देखिएगा 22 जून 2023 को बालिका की प्रथम बोर्ड मीटिंग में पढ़ा गया था ये बजट, ठीक है शायद निहारिका चौहान जी हमारी बातें नहीं सुनेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप आज बता दीजिए कितना का बजट, कितने का बजट पेश हुआ, इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैडम आप ये बता दीजिए कि कितने का बजट पेश हुआ, क्योंकि आपके जो मंत्री जी के जो मीडिया प्रभारी हैं, नगर विकास मंत्री जी के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ईओ महोदय से बात करके इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि क्रॉस चेक कर रहे हैं, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्रॉस चेक करिए, मैं तो बिल्कुल मैं मंत्री जी से क्या मैं कोई भी मुझसे आपके क्रॉस चेक कर सकता है, जो आप बोल रही हैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी आके क्रॉस चेक करिए, वो अरुण मेरे सामने जो बैठा है उसी ने अभी मेरा अतिक्रमण अभियान नहीं देखा, उसने मेरे कर्मचारियों का जो अभी अभियान चलाया पूरा 72 घंटे का, हमने
सारे अखबार वालों ने छापा, इसने नहीं छापा। आपने मीडिया ग्रुप में शेयर किया, आपने मीडिया ग्रुप में शेयर किया कि वाटर कूलर नगर पालिका गुलावटी से हटाए जा रहे हैं। ये तो तब किया ना, तब किया ना जब न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की खबरों का संज्ञान लिया गया, मंत्री मीडिया प्रभारी रोहित जी द्वारा लिया गया, उसके बाद आपने बताया। पालिका से प्रेस नोट जारी होने पर खबरें छाते हो क्या? मैडम आप, मैडम आप ही आपके चेयरमैन फैला रहे ना मैम फेसबुक पर पोस्ट करके, उन्होंने तो पुष्टिकरण दिया है ना। तो आपके चेयरमैन फैला रहे हैं ना, मुलाकात करते हैं कि नगर विकास मंत्री से मुलाकात हो गई है, दो महीने पहले, दो महीने आगे चल रहे हैं कि आप, आपकी पालिका दो महीने आगे चलती है। नहीं द्वारका जी आप नहीं सुनेंगी तो मैं पूछूंगी ना आपसे, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप समझिए पहले। जो जो शैलेश तिवतिया जी ने पोस्ट किया है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, आप नहीं सुनेंगे तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना मैम। नगर पालिका के एक सम्मानित सज्जन व्यक्ति नागरिक अरुण यादव जी भी हैं, इनके पिताजी भी हैं, इसी नगर पालिका में रहते हैं। और तो मुझे आई तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं किस पे यकीन करूँ? अगर चेयरमैन, अगर चेयरमैन पोस्ट करेंगे मैं उसको यकीन करूँ या ना करूँ बस मुझे इतना बता दीजिए, फिर मैं आपसे कोई सवाल। चेयरमैन साहब ने कहा फेसबुक पर 23 जून 2023, क्या कहा चेयरमैन साहब ने? न्यूज़पेपर की न्यूज़ शेयर की है, तो पोस्ट मैंने थोड़ी ना किया है, पोस्ट तो आपके चेयरमैन ने किया है ना। आपको न्यूज पेपर, आप भी आपका चैनल, आपका चैनल चला, देखिए तो अब मैं बिना पढ़े पोस्ट कर दूंगी, मैं बिना पढ़े तो पोस्ट नहीं करूंगी ना मैम। आपका चैनल को, आपके चैनल को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना। अच्छा चेयरमैन, चेयरमैन पोस्ट कर दे और मैं उस पोस्ट को गलत मान के पहले जांच पड़ताल करूँ कि ये पोस्ट गलत हो सकती है। ठीक है, अब क्रॉस चेक हो रहा है। जो हमारे नगर विकास, सुन लीजिए, अब नगर विकास मंत्री के मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कहा क्रॉस चेक करिए क्या बजट, तो मुझे बताइए अनुमानित क्या है, आवंटित क्या है, अब आप बता दीजिए। मैं तो आपसे सीधा सवाल करूंगी। अब मेरा पहले आपसे सीधा सवाल है कि आपके चैनल ने जो दावा ठोका है उसका मुझे साक्ष्य उपलब्ध कराएं। किसी तरह का कोई दावा नहीं ठोका गया है, आपके पोस्ट, आपके चेयरमैन ने पोस्ट किया, उसके आधार पर हम चैनल ने बोल दी है, उसके आधार पर उसी के आधार पर चलाए हैं और ये वो कॉपी है मैम। सुनिए, आप अपने चैनल में ये बोलती है मैडम, आप अपने चैनल में ये बोलती है, कितना लाख रुपया मिला है वो कहाँ गया? क्या कहा आपने? इतना लाख रुपया हमें आपकी जो नगर पालिका मिला, आखिर वो बजट गया कहाँ? हाँ, तो क्योंकि आपके चेयरमैन ने पोस्ट किया तो मैं तो पूछूंगी। तो हमारे चेयरमैन ने पोस्ट किया था तो आपने बना की था चेयरमैन भी, तो आपने 20 तारीख से खबर चल रही है, आपने अपनी बाइक तो इतनी कर ली, लेकिन बाइक में एक बार बाइक में एक बार भी जिक्र नहीं किया। और जिस दिन बोर्ड बैठक हुई थी, सुन लीजिए, जिस दिन बोर्ड बैठक हुई थी उस दिन भी आपने अरुण को नहीं बताया, सवाल किए जा रहे हैं आपसे, लेकिन तब भी आप डिनाई नहीं कर रहे हो उस चीज को मैम। वीडियो के साथ में एक वीडियो के बनाते हैं मेरी आके, नहीं ये खबरें तो, ये खबरें तो बहुत दिन से चल रही हैं, ये खबरें तो 30 मई से चल रही हैं। इसके बाद आपने एकदम से आकर के मीडिया, एकदम से आकर के आपने बाइट दे दी और देके उसे मीडिया ग्रुप में सर्कुलेट किया आपने, लेकिन आपने ये बताना जरूरी समझा उससे पहले कि वाटर कूलर क्यों हटाए जा रहे हैं, क्या होगा उनका, कार्रवाई भी जरूरी है मैडम, क्या होगा उन वाटर कूलर का जो हटाया गया, क्या उन्हें पुनः उसी स्थान पर लगा दिया जाएगा? मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैम, हम तो चाहते हैं आप बनाए मैडम, आप मेहनत करें, आप बनाए, हम तो आप मेहनत करती हैं, ग्राउंड जीरो पर जाती हैं, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, हम तो आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ मैम ने यहाँ यहाँ काम किया, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें मीडिया सेल पे शेयर की कभी। मैडम हमने सवाल किया मैडम, सवाल मैडम आप भी बहुत बेहतर से जानती हैं कि मैंने किस तरह से खबरें चलाई हैं, आप भी जानती हैं मैंने किस तरह से खबरें चलाई हैं। जब आज ग्राउंड जीरो से जर्जर वाटर कूलर को दिखा दिया गया, जब आज शमशान पर जो झाड़ झुंड है, जहां पर अंधेरे में जो दफन प्रक्रिया कर रहे थे लोग, अंधेरे में आप समझिए उसको चला दिया, जब जो पशुपालन डेयरी आबादी में चल रही है उसका निकलता हुआ गोबर का पानी दिखा दिया, तो इस पर कार्रवाई आपके द्वारा आज तक नहीं हुई। पशुपालन डेयरी पे मुझसे पहले किसी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया,
मैंने 3 नोटिस जारी करके आरसी की कार्रवाई सवाली रूप से करी है और उनके पास आबादी में पशुपालन डेयरी चलना वाजिब है। गोबर के उचित निस्तारण के लिए गोबर प्रोसेसिंग इस पर स्थानीय लोगों ने इस पर मैडम आप सुन तो लीजिए प्लीज मैडम सुन तो लीजिए मैडम इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, सुन तो लीजिए एक बार प्लीज। मैडम अभी आप कह रहे थे छोटा भाई मानते हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप छोटा भाई मानते हैं तो सुन तो लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं हमारी भी तो बात सुन लीजिए मैडम। मैडम हमारी भी तो बात सुन लीजिए, ये मेरा कहना नहीं है, स्थानीय लोगों ने कहा है कि इससे बीमारी इजात हो रही है, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि नाले में गंदा पानी जाता है, गोबर का पानी जाता है नालियों में? क्या ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए सही है मैडम? आज से पानी जाने लगा है, अभी से पानी जाने लगा है। मैडम आप जिम्मेदार बैठी हुई है, आप कह रही है 3-4 नोटिस दे दिए तो ये फिर भी मैंने खुलवा दी है। 3-4 नोटिस आपने दे दिए तो ये अब तक कार्रवाई इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं है ना? तुमने वो क्रिएट क्यों किया मुझे पता नहीं, किसी वजह से किया हो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। कमाल है, अगर जनित के मुझे दिखाए जा रहे हैं तो उसे आप क्रिएट करना बता रहे हैं कि क्रिएट कर दिया, कहीं से बाहर से क्रिएट कर दिया क्या? नगर गुलावटी की ये तस्वीरें नहीं है क्या? ये जो स्थानीय लोग परेशान है अपनी समस्या को बता रहे हैं क्या? ये लोग सही नहीं है? आप सड़कों का दावा कर रही थी, यो मैडम सुन तो लीजिए प्लीज, आपने बाइट दिया 24 जुलाई को, आप सुन तो लीजिए, आपने कहा था कि 70 मैडम सुन तो लीजिए, आप तो सुनने को तैयार नहीं है। मैडम आप सुनने को तैयार नहीं है, कमाल है, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं आप। आप सुन तो लीजिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया क्या चाहता है, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया कौन से सवाल करना आपसे चाह रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप सवालों से बचती नजर क्यों आ रही है? मैडम आप तो सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे क्रॉस चेक होगा आप बताइए? यूपी के मैडम ये तस्वीरें गलत है, ये शमशान की तस्वीरें गलत है, ये नाली में बहता गोबर गलत है। मैडम 4 जुलाई 2024 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश किया गया कि नाली पर जो अतिक्रमण होता है। मैडम फिर नहीं सुन रही है मैडम, ऐसे कैसे बात हो पाएंगी, आप सुनना ही नहीं चाह रही है। और आपको ये पता है क्या वो बच्चा संतान की असली भूमि का प्रकरण भी विवादित चल रहा है? क्या आपको ये जानकारी है जो वर्तमान में वार्ड नंबर 7 में जो तालाब है कभी वो बच्चा संतान हुआ करता था? नहीं मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे सौंदर्यकरण होना चाहिए था, सवाल न्यूज़वर्ल्ड इंडिया का ये है ही नहीं। सवाल न्यूज़वर्ल्ड इंडिया का ये है ही नहीं जो आप बता रहे हैं। सवाल ये है कि वहाँ पे जब अंधेरा है, वहाँ पे लोग परेशान है, टॉर्च जला रहे हैं वहाँ पर, और टॉर्च जलाते हुए अपनी परेशानी भी उन्होंने वहाँ मौजूदा उस समय पे व्यक्त की है। झाड़ झूठ हटाना, सौंदर्यकरण करना क्या पालिका वाजिब नहीं समझती? वहाँ पर लाइट लगाना वाजिब नहीं समझती? सवाल ये न्यूज़वर्ल्ड इंडिया का ये है, क्या चल रहा था ये न्यूज़वर्ल्ड इंडिया का सवाल नहीं है? ये तो आपने पहले बात नहीं करता, वो चेयरमैन को शिकायत नहीं करता, वो जिस बच्चा वो संतान जिस वार्ड में उस वार्ड से वार्ड नंबर से शिकायत नहीं करता वो आपके पास ले जाता है सारी खबरें। चार दीवारी पर जब चार दीवारी हो रही थी तो आपकी गरिमामय उपस्थिति थी, आपने कभी हमको अगर चार दीवारी के समय मैं जो नहीं थी भैया मुक्ता सिंह जी हो रही होंगी तो होंगी, ठीक है। 2022 में मेरे सामने कोई संतान नहीं बना है भाई साहब, हाथ जोड़ती मैं आपसे, मेरे सामने कोई संस्थान नहीं बना और संस्थान के कामों से बहुत दूर है। निहाल का जैसे ठीक है, नाराज मत होइए मैम। देखिए आपका जो काम है उसका देखिए मैडम, आपसे तो नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हाँ। आपने तो मुझे एक मिनट अरुण जी एक मिनट, आपने अरुण जी हैं वो बात करते हैं मैम, भी तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी तो आपसे बात कर सकती हूँ ना मैम, या नहीं कर सकती? बात कर ही नहीं। निहारिका जी जो आपने पार्क बनवाए
हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत बेहतर काम किया। हम किसी चीज का कोई स्वागत नहीं करवाना चाहते। नहीं हम तारीफ करेंगे, नहीं अगर ये हमारी जिम्मेदारी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तारीफ होगी, अगर कई सवाल होंगे तो वो सवाल भी होंगे, लेकिन मैम आप मेरा ये कहना ये था, नहीं मेरा यही कहना आपसे है कि देखिए 100% कुछ कर दे ऐसा तो दावा कोई भी नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं कह रही आप 100% सारी चीजें ठीक कर दीजिए, जन्नत बना दीजिए, किसी का दावा नहीं करते। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी चीज का दावा नहीं करते कि वो सब काम 100% कर देते हैं, पर वो कहते हैं मैं अपना पूर्ण 100% लगाता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं कि स्वस्थ होनी चाहिए, ये तो दावे करते हैं, ये तो बातें होती है ना मैम। आप बताइए, जब मैंने अरुण सोजन भी सवाल पूछा था कि गुलाउटी आज इस दुर्घटना में, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, अरुण जी को अभी छोड़ दीजिए, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, आप मेरी बात करने में पता क्या परेशानी हो रही है आपको। अरुण जी यहाँ पर 2 साल से तो अरुण जी भी है, वो ये जानते हैं कि मुझे विरासत में क्या क्या चीजें मिली है, मुझे विरासत हाँ, तो हम कौन सा कह रहे हैं मैम आपकी 1 साल में जन्नत बना दो गुलाब टी को, हमने तो नहीं कहा, मैं सिर्फ पूछ रही मैम आप क्या आगे चैनल यही क्लेम करता है ना कि सिंगापुर बना दीजिए गुलाब। नहीं मैंने आपसे एक बार नहीं कहा, बस ये जो शिकायतें आ रही है ना मैम, जो तस्वीरें आ रही हैं इन पर काम हुआ, मैं सुनेंगे नहीं है ना फिर हमारी चार शिकायत 6 महीने पहले आई और एक एक मुख्यमंत्री पोस्टल में हमारी कोई शिकायत नहीं है। देखिए शिकायत तो हम नहीं है, ऐसी शिकायत मेरे सामने नहीं आई जो आपने दिखाई दी। अब मुख्यमंत्री मैडम आपने ये सब सुनने कुछ किया, यही कर दीजिए मेरी 70 से 80 सड़कों को बनाने का आपने दावा किया है, आप बताएं कब किस समय और कितने खर्चे के साथ हम अपना सब कुछ रेडी करने के बाद ही कोई चीज बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते और फिर आपसे कह रहे हैं। जब आप ये हमें बताएंगे अरुण कि हमें 50,911 दारा जो भी आप बताते हैं 50,000 करोड़ हमें सत्तर से 80 सड़कों को न्यूज वर्ल्ड इंडिया दिखाएगा, बताइए कितना खर्चा आया इस पर, आपने बाइट में नहीं बताया, आपने नहीं बताया 70 से 80 सड़कें कहाँ बनी है, आपने कहा है कई सौ सड़कों की मरम्मत करा दी गई। आप कहते हैं कि दीप पैलेस से कोई शिकायत नहीं आती है, मैडम आप कहती है कि दीप पैलेस से कोई शिकायत, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मीडिया में बंधवाओगे सब कुछ पता, बाजू भी तुम्हारी हर चीज का जवाब इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ तुम चला वहाँ मेरी भी बात जाए। मैडम दीप पहले से आप कहती है कि कोई शिकायत नहीं आती है, गड्ढे को लेकर आप बात करती है, 10 साल पुराने गड्ढे का दावा आप ही कर रही थी ना, 10 साल पुराने गड्ढे का दावा आप ही तो कर रही थी मैडम, तो ये 10 साल से गड्ढा भरा नहीं, सवाल तो ये है ना जनित का, तो मुद्दा यही है, और उस सड़क के गड्ढे को मैं देख के भी आया हूँ, उस सड़क के गड्ढे को, वो सड़क दिखाई जाए जरा, वो सड़क दिखाई जाए दीप पैलेस की सड़क दिखाई जाए, दीप पैलेस की सड़क दिखाई जाए, ये बताओ कि क्या करते, ये बताओ कि अरुण क्या तुम्हारा आउटसेट, तुमने अपने घर का आउटसेट नहीं दिया, किसने नहीं दिया ये बताओ कि क्या न्यूज चैनल को, किसने ये मीडिया में मैंने बाइट नहीं दी थी पर तुमको बता रही तुम नहीं, किसने नहीं दिया, किसने आउटसेट कब से नहीं आया, किसने नहीं दिया, अरुण ने, अरुण के नाम पर है हाउस टैक्स मैडम, और जब जानकारी ली गई वहां पर पालिका में कि किस तरह का टैक्स, देखिए अरुण जहाँ तक ईओ की जो बखलाहट है ना वो पर्सनली चली गई है बहुत सारी चीजों पर, और आपको भाई बता रही है, पहली बात तो जब आपसे प्रोफेशनली फोन किया गया है तो आप प्रोफेशनल रहिए, यहाँ किसी से संबंध बनाने की आपको जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि आपसे जो सवाल किए गए आपने एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया, आप सिर्फ गोल गोल घुमाती रही है, मानहानि का दावा कर रही हैं आप, मानहानि किस बिहाफ पर करेंगी आप, आपके चेयरमैन पोस्ट करते हैं तो हम उस खबर को झूठी मान ले, लोग उस खबर को झूठी मान ले, लोग कहां जाए गुलाब जी के, और फोन स्विच ऑफ कर दिया है, मेरी टीम मुझे बता रही है निहारिका चौहान जी ईओ है नगर पालिका गुलाब जी की, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया है, अपनी सारी बात पर किस पर भरोसा करें हम, क्या सच्चाई दिखाए, पोस्ट पर भरोसा करें या निहारिका जी के बयान पर भरोसा करें, ये बताइए मुझे, हाउस टैक्स लेने की बात कर रही है वो, अपने काम गिनाए पहले, कितने काम किए कितने नहीं किए, मैं एक तस्वीर आज गुलाबी की जनता को दिखा रही हूँ, एक तस्वीर देखिए, लोगों को सुनिए ये हालात है और किस तरह से उन्होंने हमसे बात किया, और मेरे से तो बात करना उन्होंने क्योंकि प्रोफेशनली एंकर बात कर रही थी उनसे, उन्होंने जरूरी नहीं समझा मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना,
और बात कर रहे हैं कि वो हमारे सहयोगी को भाई मानते हैं, यहाँ पर रिश्ते निभाने के लिए हम अभी नहीं बैठे हैं। प्रोफेशनल ही फोन किया है, प्रोफेशनल भी जवाब दीजिए, लेकिन आप किसी भी चीज पर जवाब दे ही नहीं पाए हैं। स्विच ऑफ, बिल्कुल नहीं पाए। नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, क्या कहेंगे अरुण इस पर? जवाब नहीं बच रही है ना, जब तक बात हो रही है इनसे ये पूछ लिया जाए, जो हमने जो काम किए सराहनीय किए, तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई उस पर खबर की, मतलब इनके सराहनीय कार्य को दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाउस टैक्स की बात कर रही है, तो पालिका के जो नगर गुलावटी में लोग टैक्स देते हैं वो किस लिए देते हैं आप बताइए? पानी अच्छा जाए इसलिए देते हैं ना। पुरानी जो टंकियां हैं मेरे खुद के घर में, जब इन्होंने मुझ पर पर्सनली सवाल कर दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे खुद के घर में गंदा पानी पुरानी पाइपलाइन से जा रहा था। मैंने कई बार इनको शिकायत करी। ठीक है अरुण, अरुण अब बहुत हो गया, क्योंकि ये निहारिका चौहान की बात करेक्ट कर दूंगा। मैं इसको करेक्ट कर, इन्होंने पर्सनली सवाल किया है, मैंने पालिका में जाके पूछा है कि कितना टैक्स है, किस किस तरीके से इसका स्लैब मुझे दे दीजिए ताकि मैं टैक्स को भरने में आसानी कर सकूं। और पहली बात, अगर ये इस तरह का दावा कर रही हैं टैक्स को लेकर के, तो ये तो हमें पहले से बता देना चाहिए था, इनको नोटिस जारी कर देते एक दो, अगर दो चार नोटिस जारी करने का नहीं करते। ये देखिए आप कह रहे हैं मैडम इस बात को सुन ही नहीं रही है ना, सुनने के लिए तैयार क्यों होंगी? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मैडम। जब मैं स्थानीय लोगों के पास गया तो सूत्रों से जानकारी बता दूं, क्योंकि सूत्र का नाम खोलना वाजिब नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। सूत्र बताते हैं कि ये वाटर कूलर सुबह 7 बजे नंबर स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, हड़बड़ाहट, उनकी बौखलाहट, जो अंदर एग्रेशन था वो सारा निकल कर सामने आ गया है। मंत्री जी के जो प्रभारी हैं वो कहते हैं क्रॉस चेक करिए, क्या क्रॉस चेक कर लीजिए आप बताइए, वो तैयार ही नहीं है कुछ, वो नंबर स्विच ऑफ कर रही है, एक जिम्मेदार अधिकारी नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। इस पूरी बातचीत में उन्होंने एक बार भी कहा कि हाँ इस नाले के निर्माण के लिए इतना बजट हमारे पास है, उन्होंने बताया बजट ही नहीं मिल रहा है पालिका को, कुछ नहीं मिला, कुछ बताना जरूरी नहीं था। वो जो गिना रही है कि 70-80 सड़कें बना दी है, तो बिना बजट के घर से पैसे लेकर बनवाई उन्होंने अपने। हमने पूछा है बोर्ड मीटिंग में कितने का बजट पास हुआ, तो उसको इंगित क्यों नहीं कर रही, बताती क्यों नहीं कितने का हुआ बजट पास हुआ? साहब बौखलाहट, और मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें जो जवाब दे रही है चेयरमैन साहब से इनकी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है चेयरमैन साहब ने पोस्ट किया है या नहीं किया है, तो फिर चेयरमैन साहब की बातों को हम झूठ मान लेंगे, जब हमारी ईओ कह रही है तो हम झूठ मान लेते हैं। नहीं कैसे, हम वही तो कह रहे हैं कि ईओ से इतनी बात हुई, और ये साफ तौर पर जब ये वीडियो जाए, जब ये खबर सामने जाएगी लोगों के, वायरल वीडियो तो उसे कहते हैं ना जिसमें हाथ जोड़ती नजर आ रही है, बिल्कुल वायरल वीडियो तो उसे कहते हैं ना, कि जब इन्होंने नाले की सफाई का दावा कर दिया और उसके बाद भी नाले की सफाई नहीं, मैं उसी दिन ग्राउंड जीरो पे गया, वो नाला भी दिखा दीजिए जिसमें सारी तस्वीर, अरुण एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए उस दिन कहा था ना सड़कें पड़ी हुई, बाइट में उन्होंने कहा ना कि झूठ को चिल्ला चिल्ला के वो झूठ सच नहीं हो सकता, तो सच को दबाने से सच्चाई छिप नहीं सकती अरुण, छिप नहीं सकती, सच्चाई दिख रही है। झूठ ये है क्या, जब हमने वाटर कूलर को दिखाया गया जर्जर वाटर कूलर को, उसे पालिका ने बिना सूचित करे उसी समय क्यों नहीं बताया गया न्यूज़वेल इंडिया के पत्रकार को, उसी भाई को, कि ये वाटर कूलर इसलिए हटाए जा रहे हैं? न्यूज़वेल इंडिया ये भरोसा नगर पालिका गुलावटी को, गुलावटी की जनता को दे सकता है कि क्या यहाँ पर वाटर कूलर पुनः नए लगाए जाएंगे, क्योंकि ये तो बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है अरुण, अब हम चेयरमैन को फोन मिलाएंगे शैलेश तेवतिया जी को, क्योंकि उन्हीं ने पोस्ट किया था, और हम तो उस पोस्ट को सच मानकर आगे खबर पूरी हमने उनसे सवाल किया है कि क्या है तमाम चीजें, कितना बजट हुआ, क्या हुआ, अब वो चीज क्लियर करें। फोन मिलाइए शैलेश तेवतिया जी को, क्योंकि हमारी ईओ साहिबा तो सीधे नकार गई हैं, इसी तरह का कोई पोस्ट नहीं किया है, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। शैलेश तेवतिया जी चेयरमैन है नगर पालिका गुलावटी के। मर्यादित भाषा का वीडियो में प्रयोग करके बाद में कहती मैं भाई मानती हूँ उनको, अभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, और जिस तरीके से वो दबंगई दिखा रही है, क्या ये वाजिब है? चेयरमैन साहब फोन उठाने बहुत मेहरबानी होगी।
जब अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे तभी तो पत्रकारों के पास लोग जाते हैं। ईओ निहारिका चौहान जी को इससे भी परेशानी है। मैडम कुछ बताने जरूरी नहीं समझ रही है, वो तो ये बताना जरूरी नहीं समझ रही कि ये जर्जर वाटर कूलर क्यों हटाए गए। सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहाँ जाके ग्राउंड जीरो पर 24 जुलाई को जब इन्होंने बाइट दी है मैं उसी दिन गया हूँ और लोग बता रहे हैं सड़कें नहीं बनी। चेयरमैन साहब फोन ही उठा रहे हैं, चेयरमैन साहब मुलाकात करके आ गए हैं लेकिन ईओ जी को पता ही नहीं है कि मुलाकात भी हो गई है। प्रभारी जी कहते हैं आप क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ, क्रॉस चेक कर लीजिए। कैसे क्रॉस चेक करें, तो उन्होंने कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, तो उन्हीं को फोन मिला लेते हैं एक बार। जी जी बिल्कुल। रोहित कुमार जी मीडिया प्रभारी है नगर विकास मंत्री जी के, उनको फोन मिलाइए क्योंकि शैलेश तिवतिया जी फोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत कोशिश की हमने फोन करने की, जरा मिलाइएगा फोन रोहित कुमार जी को। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है, तस्वीरें कितना छुपाएंगी, जुलाई 2024 की सड़क है, कैसे छुपाएंगी। दावा कर रही थी कि सड़कें बना दी है, 70-80 सड़कों पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा उन्होंने, बताना जरूरी नहीं समझा कि 70-80 सड़कें कहां कहां बनाई गई, कितने कितने खर्चे पे बनाई गई, कब कब बनाई गई, ताकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया जाकर देख ले और उनके सराहनीय कार्य को दिखा दे। 70-80 सड़कें बनाई होंगी तब ना ये तस्वीरें देखिए ना। ये मुहिम नगर मुलावटी की है और ये मुहिम तो चलती है। मानहानि की बात कर ले, ये मानहानि के डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, मुहिम है, मुहिम चलती रहेगी, मुहिम चलती रहेगी। मैडम इस तरह से तो कोई भी बात अपनी रख ही नहीं पाएगा। हम क्या सवाल नहीं कर सकते, आपके अच्छे काम अरुण, आपके अच्छे काम हम दिखा रहे हैं, आपने जो अच्छे काम किए सारे हमने दिखाए, लेकिन जब आपसे सवाल हुआ तो आप सवालों से भाग जाएंगी, बच जाएंगी, भागती नजर आ रही है, स्विच ऑफ कर लिया। कभी आप हाथ जोड़ लेती हैं, कभी आप माफ करने की बात करती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं इसका सत्यापन नहीं दे सकती, ये क्या तरीका है। इकरामुद्दीन जी पूर्व सभासद हैं, उनसे भी बात हुई ना उनसे पहले, उन्होंने क्या बताया कि हाँ उनका घेराव किया, गरिमा में घेराव नहीं हुआ, गरिमा में पद पर आप बैठी है और हम पर सब। रोहित कुमार जी मीडिया प्रभारी है नगर विकास मंत्री के, उन्होंने हम फोन मिला रहे हैं, उन्हें फोन काट दिया गया। दोबारा से फोन मिलाइएगा, दोबारा से फोन मिलाइए। क्रॉस चेक करने के लिए कहा था ना, तो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हम ईओ साहिबा तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे क्रॉस चेक करें बताइए। बजट बताने के लिए तैयार नहीं है। 22 जून 2023 को जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें कितने का बजट पास हुआ, खबरों का वो खंडन करती नजर आ रही है, वो ये बताना जरूरी नहीं समझ रही कि फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट की उनके चेयरमैन ने। अगर गलत है तो आप माफी मांगिए फिर कि गलत पोस्ट हुआ, भ्रामकता तो आप फैला रही है ना। खबर तो तभी चलाई गई होगी ना जब वो साक्ष्य दिए गए होंगे पालिका के द्वारा। आप जिस व्यक्ति को फोन नहीं उठा रहे हैं, रोहित कुमार मीडिया प्रभारी है, उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए हमें बोला था, हम क्रॉस चेक करने के लिए आज बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईओ निहारिका चौहान की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है और फोन चेयरमैन साहब भी नहीं उठा रहे हैं, फोन हमारे मीडिया प्रभारी भी नहीं उठा रहे हैं। नगर विकास मंत्री एक बार फिर से फोन मिलाइएगा और फिर वो फोन ना उठाए तो फिर लखनऊ में हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे भी हमारी बात जरूर कराइएगा। हेलो, क्या मेरी बात रोहित कुमार जी से हो रही है, मीडिया प्रभारी है नगर विकास मंत्री? क्या मेरी बात रोहित कुमार जी से हो रही है? मैं रोहित, हाँ रोहित सिंह हूँ, बताइए। हाँ मैं न्यूज वॉल इंडिया से बात कर रही हूँ, बताएं। एक समस्या थी और समस्या को लेकर आपसे पहले भी चर्चा हो रही है, आपने कहा था कि जो आप खबरें चला रहे हैं उस पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो सर आज मैं क्रॉस चेक करने के लिए बैठी हूँ, हमने इससे पहले, मैं गुलावटी की बात कर रही हूँ, नगर पालिका गुलावटी बुलंदशहर में आती है, यहाँ पर हमने ईओ साहिबा निहारिका चौहान जी को फोन किया, वो एक भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, हर खबर से वो नकार रही है। आप खबर गलत चला रहे हैं तो उसमें क्या ही कर सकता है कोई आदमी। रोहित जी क्या गलत है इसमें, आप मुझे एक बार समझा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप क्या शादाब जी को समझा चुके हैं, अरुण यादव जी को समझा चुके हैं, अब आपको भी आखिरी बार समझा दे रहे हैं। ठीक है बात को समझिएगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि जो बजट था जो आप लोग, आपकी एंकर ने वीडियो में चलाया बोला था, मैं बजट, अच्छा वही है जी। आपने अपना वीडियो फिर से देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, आपने बोला है कि 50 करोड़ का बजट आवंटित हुआ, ठीक है, तो आवंटित, और जो आपके यहाँ रिपोर्टर साहब ने हमको जो लिस्ट भेजी थी, जो नगर पालिका गुलावटी का जो कागज भेजा था उसमें लिखा है कि अनुमानित लागत 50 करोड़ समथिंग है। ठीक है और दूसरा, हाँ मैं समझ रही हूँ, आप बताते रहिए, मैं समझ रही हूँ। दूसरा चीज ये है
कि अगर 50 करोड़ का आपने बजट बताया है तो वो गलती आपसे हुई है। उसके लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित हुआ, 50 करोड़ का बजट आवंटित हुआ इसके लिए। अरे मैडम एक सुनिए, मैंने एक बात बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजोल नारायण है। हाँ काजोल नारायण जी, एक बात मेरी सुन लीजिए। पहले आपने मुझे फोन किया ना मेरी मेरा 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 मत जानने के लिए, मेरी बात जानने के लिए। तो अब आप सुनिए ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन से हम आपके यहाँ अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं, मैं सबको यही चीज बता रहा हूँ ठीक है। और आपने आपके जितने भी वीडियोस मुझे शेयर किए गए उसमें जो जो बातें हैं कि यहाँ पे ये अव्यवस्था है, यहाँ पे ये अव्यवस्था है, वो सारी अव्यवस्था का डिटेल और हर अव्यवस्था का जो आपका वीडियो है उससे रिलेटेड जवाब ईओ नगर पालिका ने अपना वीडियो बना करके दे दिया, जो कि मैंने आपके रिपोर्टर जो शादाब जी हैं उनको दे दिया ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि ईओ साहब गलत बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये काम कराया, यहाँ पे ये काम कराया, तो ये आप वेरीफाई ईओ साहब से करेंगे ना? ठीक है, अब मैं बोलूं ठीक है, आप उसका फैक्ट चेक करा लीजिए, आप जाइए उसको ग्राउंड पे चेक करा लीजिए कि वेदर इज सेइंग राइट और रॉन्ग। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। अब उसके बाद आप क्या सीधी बात है, अगर आपको वर्जन लेना होगा जैसा आपके रिपोर्टर साहब ने बोला तो वर्जन मंत्री जी से लेना चाह रहे हैं, जबकि आपको अगर पहली चीज तो आपकी तरफ से गलती हुई कि भाई आपने 50 करोड़ का बजट बताया, आवंटित बजट बताया। अगर आपको फिर भी कुछ करना है तो आप संबंधित जो वहाँ के अध्यक्ष हैं शैलेश जी उनसे बात करिए, चेयरमैन साहब से, बात करिए। हाँ नहीं उठा रहे फोन तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैम आपका वहाँ लोकल सुनिए तो सुनिए तो आपका अरे सुनिए मेरी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात हम सुन चुके हैं भैया। मैं भी पत्रकार रह चुका हूँ तो इतना मुझे मालूम है कि बोलने का अधिकार दोनों पक्ष को होता है। हाँ तो आप बोलिए ना, मेरा एक भी सवाल अभी मैं बोला नहीं हूँ, अभी मैं बोला नहीं हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैं बोला नहीं हूँ। दूसरा पक्ष, दूसरी चीज ये है कि आपके वहाँ पे अरुण यादव एक लोकल रिपोर्टर है वहाँ पे जी, वो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष जी अपने ऑफिस नहीं आते होंगे या ईओ साहब अपने ऑफिस नहीं आते होंगे, वहाँ पे जाए उनका वर्जन ले और उनसे और फैक्ट चेक करें, उनसे फिर बताए ना कि भाई आपने ये कहा था, ये देखिए और वीडियो में ये सामने वीडियो है, आपने ये कहा ये चीज गलत आपने कही, आप उससे खबर चलाइए, उसे क्या दिक्कत है? सर आज तो लाइव बात कर रहे हैं, ईओ महोदया ने किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा है, उन्होंने ये नहीं बताना जरूरी समझा कि जिस तरह की खबरें हमारे द्वारा चलाई गई, हमने पूछा कि 22 जून 2023 को जब बजट पेश हुआ तो वो कितना हुआ, क्योंकि हमें तो जो कॉपी दी गई वहाँ पर जब हम उसमें बैठे थे, जो उसमें कॉपी दी है, जो भी बैठा हुआ कॉपी जो दी गई ना उसमें साफ साफ देखिए ऊपर लिखा है अनुमानित 24 बजट। सर मैं ये बताना अनुमानित है, वो आवंटित नहीं, अनुमानित आवंटित में अंतर समझिए। सर मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि जब 22 जून 2023 को बोर्ड मीटिंग में हम बैठे थे और भी अन्य पत्रकार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने खबरों को अगले दिन प्रकाशित भी किया इसी बजट को लेकर के, उन्होंने भी कहा कि 50 करोड़ के बजट से चमकेगी गुलाब। उन्होंने मैंने उस समय का आपके ही द्वारा चलाया हुआ उस समय का उनका वीडियो सुना है, उसमें कहीं से नहीं बोला है कि 50 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, कहीं भी वो अपनी वीडियो से सुन लिए कहीं उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने तभी तो ये लिखा है चमकेगी गुलाब की 50 करोड़ से अधिक के होंगे विकास कार्य, जब ये आपने आपके एंकर ने बोला है, हमारे यहाँ से नहीं बोला गया है। एक मिनट सर, रोहित जी इसको चेयरमैन साहब ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट भी किया था। मैं तो इसी का जिक्र करने वाली हूँ, इन्होंने पोस्ट क्यों किया, क्या पोस्ट किया चेयरमैन ने, पोस्ट किया तो चेयरमैन से वर्जन लेंगे ना। एक आप सुन तो लीजिए रोहित जी एक मिनट सुनिएगा ना, शैलेश तेवतिया जी हैं जो चेयरमैन है नगर पालिका के, उन्होंने पोस्ट किया किसी अखबार की कॉलम को, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। मैं पूरी बात आपको समझाती हूँ, बहुत आराम से समझाती हूँ ठीक है। चमकेगी गुलाब की 50 करोड़ से अधिक के होंगे विकास कार्य, ये किसी अखबार ने चलाया, उन्होंने वो पोस्ट कर दिया, तो क्या अगर चेयरमैन कोई पोस्ट कर रहे हैं क्या हम उसे गलत मान लें? आप तो ये बात आप चेयरमैन से पूछिए ना। बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन आपने कहा ना कि क्रॉस चेक कर लीजिए, इसलिए मैं क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सुन ली आपकी बहुत सारी बातें, अब मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा आप सुना दीजिए अपनी बात, आप सुनिए मेरी बात ठीक है। मान लीजिए आवंटित अनुमानित इसे साइड कर दीजिए, 50 करोड़ को साइड कर दीजिए, अब जो समस्या है सारी चीजें हैं क्या उस पर भी हम सवाल नहीं कर सकते? हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही ना सर, सुनने के लिए राजी नहीं, उल्टा मानहानि का दावा करने की बात करती हैं वो। देखिए वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं वो आप लोग लोकल में समझिए ठीक है, और ऐसा नहीं है आप क्या अरुण यादव जी जो सुनिए, सुनवाई नहीं हो रही तो मेरी बात सुनिए,
आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको तीन चार दिन से जो भी आपके संबंधित बात कर रहे हैं मैं उनको प्रॉपर रिस्पांस दे रहा हूँ और सब चीजें मतलब वर्ड टू वर्ड जो आपने पॉइंट टू पॉइंट बात की उस पर रिस्पॉन्स आपको दे चुके हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो ये कह रही है कि हम आपके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे आपके ऊपर, ठीक है, तो ये चीज आप उनसे पूछिए ना कि भाई आपने ये बात सुनेंगे तब जी, वो तो उसमें हमने जब उनको बोला है उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया है अपना, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप ही तो सवाल करेंगे ना सर को कहा है। और कल जब उन्होंने 24 जुलाई को जब उन्होंने बाइट दी, ठीक है, उन्होंने बताया 70 से 80 सड़कें बनाई में बनाई गई है। तो हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर देखा कि वास्तव में सड़कें बनाई गई हैं या नहीं है। तो उस जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ तो मंजरी कुछ और नजर आया, एक सड़क पूरी जल से पटी हुई नजर आई, जल भराव देखने को मिला। वो खबरें भी आज हमने चलाई है, उसमें देरियों का संचालन हो रहा है, शमशान घाट का विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं सर। सबसे बड़ा सवाल क्या है, आप उस पे जो नैगेटिव खबर चला रहे, सुनिए मेरी बात, वो खबर आप हमको भेजिए, मैंने आपने शरण जी को बोला था, क्योंकि आप खबर चला रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई चीज उन्होंने बोली है वो ग्राउंड जीरो पे नहीं है, तो आप उसकी खबर चला रहे हैं, आप वो हमें भेजिए, हम उनको भेजते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनसे बोलूंगा कि फिर वो आपसे बात करके इस मामले को रिजोल्व करें। सर रोहित जी, हमारा एक मिनट, अरुण जी, रोहित जी, हमारा मकसद देखिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ जनता को हर चीज का लाभ मिले। बाकी देखिए सर, हमें क्या मतलब है कि ईओ निहारिका चौहान जी कितनी बार निरीक्षण करने गई है, कितनी बार नहीं गई है, एसी वाले कमरे में बैठी है नहीं बैठी है, आप काम करवा रही है, जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपने पार्क बनवाए, मैंने उनकी तारीफ की कि आपने पार्क बनवाए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर वो तमाम चीजों को लेकर बात करेंगी, अभद्रता करेंगी मेरे साथ, मैं सवाल करूंगी प्रोफेशनली, वो बदतमीजी करेंगी, तो सर ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी ना चीज़। हमारा कोई भी अधिकारी बदतमीजी नहीं करता, इतना मैं जानता हूँ सर। फिर तो आपको मुझे ये पूरा वीडियो भेजना पड़ेगा, तब आप सुनिएगा और बताइएगा, आप भेज दीजिएगा और मेरे सहयोगी अधिकारी प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। शादाब रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको, शादाब बात करिएगा रोहित जी से। जी आपको बता दे, काजोल 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर सामने आई, जिसमें शैलेश तेवतिया ने नगर पालिका गुलावती के चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि नगर विकास मंत्री से की मुलाकात। अब यही जानने के लिए लखनऊ में हम कालिदास मार्ग नगर विकास मंत्री जी के वर्जन के लिए निकल पड़े। 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, यानी कि आज भी शुक्रवार है, और शुक्रवार को ही मैंने रोहित जी को पहला मैसेज किया कि मुझे इस से जो है नगर विकास ऊर्जा मंत्री जी से वर्जन चाहिए है। लेकिन आपको बता दें, एक 19 तारीख बीत गई, 20 तारीख बीत गई, 21 तारीख बीत गई, 23 बीत गई, आज शुक्रवार से शुक्रवार होने को आया, लेकिन कहीं पे भी रोहित जी के द्वारा मैंने जो विजुअल को लेकर के, वो वर्जन को लेकर के जो मैंने रोहित जी से कहा था ये किस तरह की मुलाकात है, इसको किस तरह से देखा जाए, मुझे बस मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी का एक वर्जन लेना है, 5 मिनट का आप मुझे वो दिलवा दीजिए। लेकिन ये जो है अम्बाटित और अनुमानित की बात करते हुए मुद्दे से कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, रोहित जी अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, शादाब रोहित जी हमारे साथ जुड़े, रोहित जी क्या गलत कर रहे हैं, अगर हम किसी मुद्दे को शादाब जी ने जो बोला है ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। शादाब जी ने मुझे पहला मैसेज किया है 19 तारीख को 2:27 की शाम को, ठीक है, उन्होंने लिखा है, बस इतना ही लिखा है उसमें, भाई क्या हालचाल है, ठीक। उसके बाद उन्होंने सैटरडे को मैसेज किया जो की 20 तारीख रही होगी, ठीक है, उसमें फिर भाई कॉल उठाइए, आप जानकारी देंगे कल कुछ ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कोई कॉल भी आ रही पीछे, ठीक है। शेयर की है सर्वहित भारत की, जिसमें ये ईओ साहब क्या नाम है जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने अपनी एक फोटो लगाकर दो चार लाइनें लिखवाई है कि हमने उनसे मुलाकात की। ये मुझसे जानना चाह रहे थे कि वो
50 करोड़ का बजट के बारे में जानना चाह रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि वो आवंटित अनुमानित नहीं समझ पा रहे, मगर एग्जैक्टली जो फिगर है, जो प्रॉब्लम, जो इश्यू आ रहा है, वो बात पर डेवन से 19 तारीख से जब से ये कनेक्ट में है या 20 तारीख को जब से उन्होंने मैसेज किया है, सबसे इसी बात है कि आवंटित अनुमानित नहीं। इनको सारी बातें अगर आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे जो मेरी इनकी बात हुई सारे स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर ये बताइएगा कि इनको रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं। मैं जानती हूँ सर क्या बातचीत हुई है। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है, देखिए ठीक है बजट मिला नहीं मिला वो अलग चीज है, मेरा मकसद है जो प्रमुख समस्याएं हैं वहाँ की, उनके विकास को लेकर जो यहाँ मुलाकात हुई है तो आगे क्या बात होती है, बस ये वर्जन हमें चाहिए और कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये तो हमारा राइट है ना सर, इतना तो हम पूछ ही सकते हैं ना, मुलाकात हुई है तो मुलाकात में विकास कार्यों को लेकर क्या चर्चा हुई, आगे हम भी तो बता पाए ना, जनता को खुशी होगी कि हाँ भाई हमारे चेयरमैन मुलाकात करने गए हैं, अब हमारी गुलाबटी को और अच्छा बेहतर चीजें मिलेंगी, हो सकता है। सर आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा मकसद सिर्फ जनता की, जो देखिए बजट मिला नहीं मिला अनुमानित आवंटित छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बस ये बता दीजिए कि ये जो हम आवाज उठा रहे हैं किस लिए उठा रहे हैं, जनता के लिए उठा रहे हैं, आप भी तो जनता की सेवा में ही है ना, आप किस लिए, आप भी जनता की सेवा में ही है ना सर, या नहीं है बताइए मुझे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे शताब्दी जी के माध्यम से आई चाहे अरुण जी के माध्यम से आई हूँ, उन सारी क्वेरीज का जवाब दे दिया गया है, ठीक है। ईओ से बात करने के लिए ईओ का जो वर्जन था वो भी आपको भेज दिया गया। पहले देवल से ये चीज कही जा रही है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने वो खबर प्रकाशित कराई कि हम वहाँ पे गए, हम विकास कार्यों की चर्चा की, ठीक है, तो इस बारे में आप शैलेश जी का वर्जन लीजिए, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। शैलेश जी अगर बात करने के लिए तैयार होते तो सर आपसे वर्जन, शैलेश जी को, शैलेश जी के पीछे लगिए ना, आप शैलेश जी के पीछे जोड़ करके आप हमारे पीछे लगेंगे और हमसे पूछेंगे की उनकी क्या बात हुई, क्या सिर्फ वर्जन की बात करेंगे, मंत्री जी की जहाँ तक बात करेंगे, सुनिए मेरे, मंत्री जी के वर्जन की बात करेंगे, मंत्री जी के वर्जन की बात कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं। सुन लीजिए 762 निकाय है उत्तर प्रदेश में, 762 निकायों में सभी लोग आकर के मंत्री जी से मिलते हैं, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी क्या सर? सर नहीं, क्यों नहीं, मुलाकात क्यों नहीं हुई होगी, मुलाकात नहीं हुई होगी तभी तो। हाँ, रोहित जी कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, एक मिनट रोहित जी, मुलाकात हो पाएगी ना किससे, मंत्री जी से, किस प्रकरण में करना ये तो बता दीजिए, इसी प्रकरण में विकास कार्य को लेकर सर, बस विकास कार्य को लेकर और कुछ नहीं। नहीं तो मैंने यही बात तो कही है, देवन से शादाब जी 50 करोड़ रुपए बता रहे हैं। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आप चाहे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी से, मैं बात करूंगी विकास कार्यो को लेकर, बात करूंगी सिर्फ मंत्री जी से इस संबंध में, जब मैं पूरी बात, अगर आपने जो पूरा मुद्दा उठाया होता वो सही होता तो मंत्री जी से उस चीज को हम चर्चा करके, मैंने इनसे बोला भी था कि अगर मुद्दा हमारे यहाँ गलत कर रहे होते तो मैं इस बात को मंत्री से बोलता, अगर भ्रामक जो आप खबर चलाएंगे उसको लेकर के मैं उनके सामने जाऊंगा, ये रोहित जी आपके आपके शादाब जी को सुन तो लीजिए, शादाब जी को ये चीज प्रॉपरली बोली जा चुकी कई बार, आज मेरी बात आपसे हुई है, आप समझ गए होंगे मैं मुद्दों को लेकर बात कर रही हूँ, मुद्दों को लेकर ही समझा, मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं तो आप ईओ से बात करिए, शैलेश जी से बात करिए। हाँ, लेकिन मुझे मंत्री जी का वर्जन चाहिए होगा तो मैं क्या मंत्री जी का वर्जन इस मामले में जो चीज जस्टिफाइड नहीं है उस मामले में मंत्री जी का वर्जन दिलाने के लिए विकास कार्यों को लेकर भी नहीं, आपको जो विकास कार्यों को लेकर के जो प्रदेश स्तर पे विकास कार्य की जो योजनाएं होती है उस पे वो वर्जन देते रहते हैं, मीडिया को बुला करके बात करते रहते हैं। मतलब अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ बुलंदशहर को लेकर तो वो मेरी बात नहीं हो पाएगी उनसे। मैं एक काम कर लेता हूँ, सुनिए, एक tej.net.in एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप जाइए, अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी बेहतर अगर आप कह रहे हैं तो ये भी अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल कर लीजिए, अपने अपनी बात लिख दीजिए, वो समय दे देते उस पे, वो ऑनलाइन पोर्टल के पास सर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि मैं अपने स्तर से ये इन्फॉर्मेशन 50 करोड़ 5 करोड़ वाली नहीं ले जाऊंगा। आप उस पर क्लियर कर दिया अरुण जी, आप सर मेरा ये सवाल है, जब उन्होंने बाइट दी जैसा आपने कहा कि हमने वो सड़कें, सर उन्होंने कहा 70 से 80 सड़कें बनाई गई और कई सड़कों की मरम्मत, तो भाई योगी बात मेरे पास, अरुण जी आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यो निहारिका चौहान जी बाइट में कह रही थी कि 70 से 80 सड़कें बनाई गई हैं और कई सौ सड़कों की मरम्मत की गई है, तो सर उन्होंने ये नहीं बताया कि 70 से 80 सड़कें कितने खर्चे के साथ कब और कहां बनाई गई। हमने 24 जुलाई को जब नगर का हालात देखा तो हम ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां पर पूरा जल भराव नजर आया और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वहां पर कहीं ना कहीं सड़कें बनी हुई नजर आएंगी,
और दीप पैलेस पर एक सड़क जो पहले खबर में चलाई गई वो भी पूरी की पूरी जर्जर पाई गई। मुद्दे ये है कि शमशान घाट जो सौंदर्यकरण होना चाहिए था, जहाँ पे अंधेरे में लोग दफन प्रक्रिया अपनी लाइट जला करके मोबाइल की कर रहे हैं, उम्मीद थी कि वहाँ पे लाइट नगर पालिका द्वारा लगाई जा सकती थी, सौंदर्यकरण कराया जा सकता था। वाटर कूलर जब हमारे सहयोगी सर हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन अच्छा ठीक है रोहित जी अगर इयो साहिबा नहीं सुनेंगी तब अब हम क्या करें, आप ही बता दीजिए। साहिबा से बात करिए, उन्होंने नहीं बात कर रही है, वो तो आगे क्या करें बताइए मुझे, वो नहीं बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने नहीं बताया 70-80 सड़कें कहाँ बनाई, कुछ नहीं बताया, तो आगे किससे बात करें हम? चेयरमैन साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आगे किससे बात करें? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपसे कोई बात ही नहीं करने को तैयार हो रहा है रोहित जी? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो सभी हमारे यहाँ के सभी विभागीय अधिकारी हो या चाहे चेयरमैन हो, सभी लोग जो है बात करते हैं मीडिया से। मैंने आपसे पहली बार ऐसा कह रहे हो कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा। रोहित कुमार जी मैंने ये नहीं कहा कि बात कर, मैंने ये कहा कि बात सुनने के लिए ना करने के लिए तैयार है, वो सुनती नहीं है ना। फोन तो किया था हमने, बात भी हुई है, लेकिन वो किसी चीज पर कोई जवाब ही नहीं दे पा रही है। वाटर कूलर हटाए गए नगर गुलावटी से, चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। सर, एक ही बार को बार बार जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं आप जितना आप हमसे बोल रहे हो ना, इतना अगर आप ईओ साहब से पूछ लो जाकर के उनके कार्यालय में, वो ज्यादा पूछ चुके हैं लखनऊ से। सादा जब आपने मंत्री प्रभारी जी जो है हमारे ये यूपी मंत्री जी प्रभारी जो है मीडिया प्रभारी रोहित जी, इनको जब बताया अवगत कराया कि मुझे अरुण जी पहली चीज तो आप थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि आवाज मेरे पास आपकी नहीं आ रही, मैं आपकी आधी बात समझ रहा हूँ आधी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। शादाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वाटर कूलर को हटाया जा रहा था इसकी जानकारी आपने मंत्री मीडिया प्रभारी रोहित जी को दी, तो अगले दिन ही उन्होंने अपनी देकर उसमें सभा ने कोई जानकारी वाटर कूलर हटाने की जानकारी मुझे दी। वाह वाह। लेकिन उससे पहले मीडिया ग्रुप में किसी भी तरह की कोई जानकारी या हमें दी गई हो या मीडिया ग्रुप में शेयर की गई हो, क्योंकि बाइट उन्होंने दी और मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिया, तत्काल प्रभाव से वो शेयर कर देती है, वो अपने काम सारे जो सही होते हैं। लेकिन जब हम समस्या उठाते हैं, जब वाटर कूलर को लेकर 30 मई 2024 को ग्राउंड जीरो पर जाकर चिलचिलाती धूप में राहगीरों को जल मिल जाए, शीतल जल की सुविधा मिल जाए, इसको लेकर खबर करते हैं, तो आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें कोई दुरुस्त नहीं किया गया, उसके जगह उनको हटा दिया गया। शमशान घाट को लेकर खबर की तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो गई। नगर में आबादी में पशुपालन डेयरी चल रही है, बेखौफ चल रही है, और उससे निकलता गोबर का पानी जो स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं ना कहीं हानिकारक है, और ये जनता साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है, जनता परेशान है। हेलो 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 हाँ रोहित जी, आपको जो भी आप जानकारी चाह रहे हो या आप ये से जानकारी करो, मुझे मैं वहाँ पे हूँ, मुझे कोई जानकारी सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात को ये 3-4 बार सुन चुका हूँ, 2-3 दिन में, ठीक है, तो मैंने अपने जो जवाब दे रहे थे वो दे दिए। रोहित जी आप ही बता दीजिए हम किससे बात करेंगे, ईओ ना आप ईओ साहब से बात करिए, शैलेश जी से बात करिए, दोनों कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी बात पे वर्जन हूँ या मैं किसी बात पे दोनों नहीं, मैंने आपने जो मुझे जानकारी दी मैंने उस जानकारी के बिहार पे जो मैंने अपनी जानकारी एकत्रित की, कुछ कहना चाह रहे हैं साहब, क्या कहना चाह रहे हैं बताएं जरा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें चादा जी को क्लियर कर चुके हैं, आपको स्क्रीनशॉट अभी हम भेजे देंगे, ऑफिशियल अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है रोहित जी कह रहे हैं व्हाट्सएप सारी जानकारी दे दी है, हम आपको भेज दे रहे हैं। सर सादा कुछ कहना चाहते हैं जरा सुन लीजिए सर प्लीज, सादा रोहित जी आवाज आ रही है, फोन काट दिया शादाब, उन्होंने फोन काट दिया, आपसे बचते नजर आ रहे हैं शादाब। देखिए मैं आपको बता दूं काजोल, मैं आपको बता दूं, एक रिकॉर्डिंग फोन कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से रोहित ये बात कहते नजर आ रहे थे कि पत्रकार को सिर्फ सम्मान की जरूरत है, पत्रकार एक सम्मान चाहता है, लेकिन आपको बता दे काजोल कि पिछले 7 दिन से लगातार
मंत्री जी के एक वर्जन के लिए मैं रोज जाता हूँ, रोज खड़ा होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित जो मीडिया प्रभारी है मंत्री नगर विकास मंत्री के, वो कहीं ना कहीं इस चीज को नकारते हुए नजर आते हैं। और अगर बात कही जाए, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि नगर पालिका ईओ की भाषा ये बोलते नजर आ रहे हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि एक वर्जन के लिए हमें सिर्फ अपने ही आम लोगों के, स्थानीय लोगों के मुद्दों के लिए हमें लगातार 7 दिन तक घुमाया जा रहा है। 7 दिन तक एक वर्जन, 1 मिनट का क्या समय हमें नहीं मिल पाएगा? अगर पत्रकारों को नहीं मिल पाएगा तो आम जनता की समस्या कैसे सुलझेंगी? जब निचले स्तर का व्यक्ति नहीं सुनेगा तो हम ऊपर स्तर के व्यक्ति के पास फोन मिलाएंगे, उनसे जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना हम। सीधा ही थोड़ी ना मंत्री जी को फोन कर देंगे, हम पहले ईओ साहब से बात करेंगे, चेयरमैन से बात करेंगे। ना ईओ सुनने के लिए तैयार है, चेयरमैन साहब फोन नहीं उठाते हैं, फोन रखकर पता नहीं कहां गहरी नींद में चेयरमैन साहब सो गए हैं। तो फिर हम मंत्री जी से ही बात करेंगे ना, किससे बात करें फिर? वो अपनी फेसबुक पर कॉल रिकॉर्डिंग, एक फोन कॉल के द्वारा मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने शायद ये 4 या 5 दिन पहले की मैं बात आपसे बता रहा हूँ, उन्होंने रोहित कुमार द्वारा ये बात कही गई कि आप दिल्ली नहीं चले जाएंगे, एक फोन कॉल द्वारा ये बात हुई थी और उस फोन कॉल द्वारा में ये बात बताई गई। काजोल, पत्रकारों को सम्मानित करने की बात होती है, आवाज आ रही है? आपके पास तो है ना पूरा निर्देश है आपके पास। मैडम, जब हमने उनके सराहने कार्य को चलाया, ठीक है, अगर हमने शमशान की घटना चला दी जो वहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, ठीक है। शादाब कुछ कह रहे हैं, शादाब बहुत जल्दी से शादाब बोलिएगा, मेरी आवाज आ रही है काजोल? हाँ, शादाब आवाज आ रही है, बोलिए। शादाब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आखिर में हम जी। मंत्री जी को फोन करेंगे, उम्मीद है कि फोन उठा ले मंत्री जी, हमारी बातचीत हो जाए, हमें अपनी समस्या रखनी है जो जनता की है जी। जिस जो मुहिम हमने चलाई है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो तस्वीरें है ना, बस ये सही होनी चाहिए, हमारा मकसद इतना है बस। आपके पास क्या आवंटित है, क्या अनुमानित है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने जो आपने जो पोस्ट किया उसके आधार पर हम चला रहे हैं, आप क्या फिर आप अपनी बातों को नकारते रहे, उससे नहीं होता ना। प्रभारी ने कहा क्रॉस चेक कर लीजिए, करने की हाँ वही क्रॉस चेक, उन्होंने नहीं। मंत्री जी को फोन मिलाइएगा, अरविंद कुमार शर्मा जी, नगर विकास मंत्री। 7 दिन से एक शख्स रोजाना कर रही है, रोजाना मानहानि के नाम पर डरा रही है, डराने की कोशिश, ताकि वो अपना काम ग्राउंड जीरो पर ना करें। और पत्रकारों के परिवारों को भी बीच में लेकर, परिवार को भी अच्छी तरह से जानती है सारी चीजें, तब आप एक तरफ भाई कहती है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल आप नहीं होती है, आप चाहती क्या? काजोल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? काजोल, बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि रोहित जो है, रोहित कुमार मीडिया प्रभारी है, अरविंद कुमार नगर विकास ऊर्जा मंत्री के, कहीं ना कहीं वो एक तरफ पत्रकार के सम्मान को लेकर के हमसे बात कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इनके ही द्वारा हमें व्हाट्सएप पर जब ये एक उनका वर्जन भेजा गया नगर पालिका ईओ का, तो ठीक है शादा भी रोकूंगी। अरविंद कुमार शर्मा जी है नगर विकास मंत्री, उनको हम फोन मिला रहे हैं। को फोन नहीं उठाएगा, एक बार और फोन मिलाइएगा। तस्वीरें सब कुछ चिक चिक कर बता रही हैं अरुण, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, और ईओ ने किस तरीके से बात की है वो भी हमारे सामने, तो मानहानि का दावा कर रही है, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जनता परेशान है, गंदा पानी जा रहा है, नई पाइपलाइन से पानी नहीं जा रहा, ऐसी सारी खबरें, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस पर कार्रवाई कैसे होगी, कौन करेगा?
आप जिस व्यक्ति फोन नहीं उठाया गया है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी, इस मुहिम को भी हम लगातार जारी रखेंगे। हमने यहाँ जो पूर्व सभासद थे उनसे भी बात की, हमने सारी एक एक तस्वीर दिखाई है, जो हमें क्रॉस चेक करने के लिए कहा गया था वो भी हमने पूरी करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ हमने ईओ को भी फोन मिलाया, ईओ से हमारी बात की, जो मानहानि की बात करती हैं, अपनी बातों से मुकर जाती हैं और इस हकीकत को वो हकीकत मानने से इनकार कर रही हैं, जो हकीकत एलवन स्क्रीन पर चल रही है, और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, धमकी भरे अंदाज में वो बात करती है, दबंगई दिखा रही है। तो क्या पत्रकार मानहानि नहीं? बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप पत्रकारों को लेकर कहते कि पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, और सम्मानित खुद करती हैं, खुद करती हैं सम्मानित, वो इसलिए करती है ना कि सराहनीय खबरें जो उन्होंने वहाँ पर की गई, हाँ, थोड़ी बहुत कर दी उन्होंने। एक बार डीएम साहब को भी फोन मिला लिया जाए। हेलो, क्या मेरी बात चंद्र प्रकाश सिंह जी से हो रही है, जिलाधिकारी महोदय है बुलंदशहर में? नहीं नहीं, डीएम साहब का स्टाफ बोल रहा हूँ, बुलंद साहब। कब तक मेरी बात हो पाएगी उनसे? मैं जान सकता हूँ कौन साहब बोल रहे हैं? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ, न्यूज चैनल से। एक मिनट, क्या नाम बताया? न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ, काजोल नारायण नाम है मेरा। कब तक हो पाएगी मेरी बात उनसे? एक नंबर लिखिएगा, मेरा नाम काजोल नारायण है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नंबर जिस नंबर से बात होंगे वो नंबर ले लीजिएगा। हाँ जी, बताइए। 9528 3040 3040 44 44। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी टीम से कहूंगी, सौरभ प्लीज इस नंबर पर फोन मिलाइएगा। उम्मीद है कि डीएम साहब से बात होगी, क्योंकि अब उम्मीद ये भी है कि वो जलित के मुद्दों को समझेंगे और उस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जो पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है उस पर भी कोई कार्रवाई देखने को नजर आएगी। आप प्रोफेशनल में आप पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, ये कहां तक सही है? क्या ये दबंगई नहीं है? क्या इन पर मानहानि का केस नहीं होना चाहिए? ये तस्वीरें क्या झूठ है? क्या ये गुलाबटी से कहीं बाहर की तस्वीरें हैं? बाहर की तस्वीरें हैं, ये बाहर की तस्वीरें नहीं है, ये गुलाबटी की ही तस्वीरें हैं। लंदन अमेरिका से तस्वीरें नहीं आई हैं। कल्ली घेरा हुआ है ये मैडम का, पर वो उसको घेराव नहीं मानती। अब उनके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सामने है। फोन स्विच ऑफ कर लिया, फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। सत्तर से अस्सी सड़कें कहां बनाई, कितने खर्चे में बनाई, ये बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। सौरभ फोन मिलाइएगा। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करिएगा सौरभ। शादाब, शादाब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। शादाब देखिए, रोहित जी तो फोन काट कर बैठ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें परेशान मत कीजिए बार बार। मेरी बात क्या चंद्र प्रकाश सिंह जी से हो रही है, जिलाधिकारी हैं बुलंदशहर से? हो रही है। सर मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। जी बताएं। जिलाधिकारी महोदय जी, दरअसल समस्या ये है कि हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। एक मुहिम ये है कि जो भी एक बीसी में बैठा हुआ मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो कब तक आपसे बात हो पाएगी? मैं अपने सहयोगियों को बोल दूंगी आपका बाइट वर्जन लेने के लिए। अभी मैं बीसी में बैठा, मुझे पता नहीं कब तक बीसी। कल परसों कभी भी आप समय दे पाए? कल दे लें, कल दे दे बीसी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो अरुण देखिए, अभी मीटिंग में सर बैठे हैं और सर ने कहा है कि आप कल, और जरूर इनका बाइट वर्जन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये पूरी शादाब अरुण, ये पूरी तस्वीर है, तस्वीर आज हमने आखिर में पूरी किताब खोल कर रख दी है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी इसका इंतजार हम कर लेते हैं। शादाब से एक आखिरी कमेंट मैं लूंगी। शादाब, आप अपनी कोशिश लगातार जारी रखिएगा। जी बिल्कुल जारी रखिएगा, यह हमारा पूरा राइट है कि हम सवाल कर सके, और हम क्षेत्र की जनता के लिए सवाल कर रहे हैं, अपने किसी पर्सनल काम के लिए सवाल नहीं कर रहे हैं। जी सब
सबसे बड़ा सवाल यही है मैडम कि इस तरह से अगर धमकाया जाएगा, इस तरह से अगर हमें रोका जाएगा काम करने से, मानहानी का दावा करके, तो कैसे हम काम करेंगे, कैसे ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे? कल को अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है उसकी जिम्मेदारी किसी तरह की अब कोई हमारे खिलाफ बेबुनियादी कार्रवाई अमल में ला दी जाती है तो किस तरह से देखा जाएगा उस चीज को? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे सहयोगी लखनऊ से शादाब लगातार हमारे साथ बने हुए। शादाब, आप आगे भी कोशिश जारी रखिएगा, क्योंकि मंत्री जी का जो वर्जन है वो जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम क्षेत्र के विकास के लिए और जिले के विकास की बात कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं। शादाब जी, काजोल जी, काजोल न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही है, हमारी कोशिश भी लगातार जारी रहेगी। रोहित जी अगर वर्जन नहीं दिला रहे तो मैं कोशिश में रहूंगा कि मंत्री जी का वर्जन जो है सामने आए, जिससे बुलंदशहर की जनता को सामने दिखाया जा सके कि किस तरह से जो है न्यूज वन इंडिया लगातार बुलंदशहर गुलाउटी की जनता के लिए आवाज उठा रही है। और लखनऊ तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी के धमकाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, डराने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी खबर को प्रमुखता से दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जनहित के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। आगे भी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, और कहीं ना कहीं अरुण, हम गुलाबटी की जनता से ये वादा तो नहीं करते कि हम गुलाबटी को पूरी तरह से सारी सुविधाएं दिला देंगे, लेकिन हाँ, आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम प्रमुखता से जरूर उठाएंगे। आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस जनता का बहुत धन्यवाद जिस जनता ने हमें ये सम्मान दिया कि हाँ, हम उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, आगे तक पहुंचा सकते हैं। उन सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर मुहिम यूं ही जारी रहेगी, कोशिश रहेगी कि मंत्री जी से बहुत जल्द से जल्द बात हो जाए और इस पूरे मामले पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो। धन्यवाद।